यस सो ऑडियंस कितने आ गए? ऑडियंस सारी आ गई या कम लोग हैं? नहीं आई थिंक आ गए, आई हमें थिंक स्टार्ट कर लेना चाहिए। यस हम स्टार्ट करते हैं, आते रहेंगे लोग। सो हाँ हम स्टार्ट कर ले। ऑडियंस कितने आ गए? ऑडियंस सारी आ गई या कम लोग हैं? नहीं आई थिंक आ गए, आई हमें थिंक स्टार्ट कर लेना चाहिए। यस हम स्टार्ट करते हैं, आते रहेंगे लोग। ये थोड़ा सा हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑडियंस कितने आ गए? ऑडियंस सारी आ गई या हाँ तो बोलिए, आ रही है हमें आवाज आपकी। फिर अभी जितने लोग भी आ गए हम स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी लोग कनेक्ट करते रहेंगे। जी तो सबसे बिल्कुल, पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो हमारे साथ गेस्ट हैं सुमित मलिक सर। सुमित सर फाउंडर हैं पेपकोडिंग हाय के, गाइस। और मतलब सुमित सर का थोड़ा और बैकग्राउंड बता देता हूँ। सुमित सर के पास 10 ईयर्स प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है, DS, Algo, जावा वगैरह में। और पास 2 ईयर्स पहले सर ने पेपकोडिंग लॉन्च किया था, और पेपकोडिंग में अभी तक 300 से अबव लोगों का, 20 लाख से ऊपर का प्लेसमेंट लग चुकी है। बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज में, गूगल, उबर, अमेजन, न्यूटेनिक्स, मतलब जो भी आप इमेजिन कर सकते हो, अच्छी आपने जितनी भी कंपनी सुनी है। सो सबसे पहले सर, जो आज हमारी जितनी भी ऑडियंस है यहाँ पे, वो उन सबका ये मतलब मोटो इस वेबिनार का ये है कि उनको उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और उनको एक अच्छा सा रोड मैप मिल जाए कि उन्हें कैसे तैयारी करनी है। तो हम इसमें ऑडियंस जो है वो फर्स्ट ईयर के बच्चे भी हैं, सेकेंड ईयर बीटेक भी हैं, थर्ड ईयर भी हैं, कुछ लोग एमसीए वगैरह से भी हैं, और कुछ लोग पास आउट भी हैं जो कि जॉब कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले रोड मैप आप मतलब डिस्कस कर लीजिए, जो कि एक बच्चा फर्स्ट ईयर में है अभी और वो स्टार्ट करना चाहता है और उसके टारगेट है अमेजोन गूगल टाइप की कंपनी, तो उसको सर कैसे स्टार्ट करना चाहिए? ठीक है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक यस सर, है, स्क्रीन दिख रहा है क्लियर मेरा? मैं आप स्क्रीन शेयर किया मैंने। हाँ, क्या सर? तो मुझे स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। देखो, मतलब मैं ठीक सा पाथवे बना सकता हूँ बच्चों के लिए। देख, पहले ये देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है फैंग कंपनीज के लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है डीएसएल को सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी रखता है। दूसरे नंबर पर मुझे लगता है ऊप्स, तीसरे नंबर पर मुझे लगता है ऊप्स के बाद ओएस, फिर डीबीएमएस, प्रोजेक्ट्स, इन्हीं के कहीं इक्वल आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स। इन पे सर डिटेल में बात हाँ करते हैं, जी, इन पे डिटेल से बात कर लेंगे हाँ बाद जी बिल्कुल। सिस्टम डिजाइन और पजल्स वजल्स, और इसके बाद कुछ एचआर वेचआर भी है। तो वो सब मुझे लगता है 80% तैयारी तो डीएसएलओ की होती है। तो बाद सर। में 5-5% तुम 5-5% कहीं बर्बाद दो, बाकी सब इसी में आ जाता है। तो फिर भी मैं एक बच्चे को वेल राउंडेड तैयारी के लिए क्या बोलूंगा, मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट ईयर, अगर मुझे बच्चा फर्स्ट ईयर से ही मिल जाए तो मेरी उसके लिए एडवाइस क्या रहेगी कि पहले वो थोड़ी ब्रेड्थ बनाए, मतलब सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीखे, फिर अपने इंटरेस्ट के एरिया में डेप्थ बनाए। तो फर्स्ट ईयर के अंदर वो डीएसएलओ से खुद को इंट्रोड्यूस कर ले। इसमें कोई लैंग्वेज मैटर नहीं करती, जावा से करना चाहता है जावा से कर ले, सी प्लस से करना चाहता है सी प्लस से कर ले। पाइथन थोड़ा डिस्करेज करूंगा क्योंकि उसमें वो टाइप स्टैटिक नहीं है, तो उसे डिस्करेज करूंगा। जावा या सी प्लस ठीक है, इनसे कर ले। सी थोड़ी और नीचे रह जाएगी, उसमें लाइब्रेरीज नहीं है। मेरे हिसाब से प्रेफरेबली जावा या जावा सी प्लस के अंदर डीएसएलओ फर्स्ट ईयर में कर ले। इसमें सर एक अब छोटा आएगा सा ठीक डाउट है लोगों का कि सारी है। लैंग्वेजेस आनी चाहिए कि एक लैंग्वेज से काम बन जाएगा? नहीं यार, सारी लैंग्वेज आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। इनफैक्ट लैंग्वेज के बजाय ना टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग के बारे में सोचना चाहिए कि तुम्हें डीएसएल को कोड करने आते हैं, कि तुम्हें वेब कोड करना आता है, कि तुम्हें मोबाइल कोड करना आता है, कि तुम डेटा साइंस कोड कर लेते हो, डेटा साइंस एमएल कर लेते हो। टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग पे फोकस करो, लैंग्वेज पे मत फोकस करो। जैसे डीएसएल जावा या सी प्लस। हाँ बेटा बोलो। मतलब फ्रेमवर्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आते हैं, किसी को एक भी आता है तो चलेगा। फ्रेमवर्क से तो बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। अब तुम ये कहो कि कोई बंदा वेब को नोड से करता है, कोई और बंदा रूबी से करता है, कोई बंदा पाइथन जांगो से करता है, तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आपको बस वेब की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। जिसको नोड से आती है वो बहुत जल्दी रूबी ऑन द रेल सीख लेगा, बहुत जल्दी पाइथन जांगो सीख लेगा। तो टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग फोकस करो आप। डेटाबेस के लिए तुम सीक्वल, तो टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डीएसएल को टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग है, वेब टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग है, मोबाइल एक काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग है, डेटा साइंस एमएल काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग है। लैंग्वेज पे मत फोकस करो, उसके लिए जो पॉपुलर टूल होगा वो इस्तेमाल कर लो। जैसे डेटा साइंस करोगे तो अपने आप पाइथन करनी पड़ेगी, मोबाइल करोगे तो एंड्रॉइड या जावा या कॉटलिन से करना ही पड़ेगा। तो
वेब के लिए मोस्ट लाइकली तुम जावास्क्रिप्ट तो सीखोगे ही सीखोगे, डेटाबेस के लिए सीक्वल तो सीखना ही पड़ेगा। तो तुम ये जो तरीका है ना सोचने का कि लैंग्वेज से मैं फोकस करूं, तो मैं कहूंगा लैंग्वेज के बजाय टाइप ऑफ प्रोग्राम की फोकस करो। लैंग्वेज तो अपने आप ही पता लग जाएगी तुम्हें उस टूल के लिए सबसे बढ़िया लैंग्वेज क्या रहेगी। तो फर्स्ट ईयर मेरा ये कहना है डीएसएल को विदाउट केयरिंग अबाउट द लैंग्वेज दैट यू आर डूइंग इन, एवरी लैंग्वेज इज गुड इनफ। ऊप्स वाली लैंग्वेज है। हां बेटा बोलिए। मेनली सी प्लस प्लस एंड जावा, दो में से कोई। हां मेनली मेरी प्रेफरेंस सी प्लस प्लस जावा है। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई ऊप्स वाली उठा लेना जिसमें ऊप्स हो और डायनेमिक टाइपिंग ना हो। हाँ मैं आज ना ज्यादा जनरिकली बोल पा रहा हूँ, वरना मैं जनरली ये बोलता था जावास्क्रिप्ट और पाइथन मत करो। तो मेरा जो नफरत है जावास्क्रिप्ट पाइथन से डेटा स्ट्रक्चर करने के लिए वो इस चीज पर है कि वो डायनेमिक है। डायनेमिक इन द सेंस कि उनके अंदर इंट लॉन्ग स्ट्रिंग टाइप स्टैटिकली डिफाइन नहीं है, वो चेंज हो सकती है। तो मुझे डायनेमिक टाइपिंग की लैंग्वेज से थोड़ा लगेगा कि बच्चों को डीएसएल को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए और ऊप्स होना चाहिए लैंग्वेज में। तो सी इस वजह से कट गई और पाइथन जावास्क्रिप्ट इसकी वजह से कट गई। मुझे ऐसा मैं ऐड करना चाहूंगा सर इसमें कि पाइथन से कभी कभी ये इश्यू आता है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो पाइथन अलाउ भी नहीं करती हैं। हाँ ऐसा भी है। बट इसमें आप पाइथन कोड नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसी होती है बिगिन टीजर वगैरह की जो कि पाइथन से बहुत ही इजीली हो जाती है, बट और उसका लॉजिक अच्छा होता है जबकि मतलब बनी बनाई चीजें मिल जाती है तो तुम्हें कोड करने का लॉजिक नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, तो लैंग्वेज अलाउड ही नहीं होगी। सेकेंड ईयर में ऐसा बोलना है अब तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करो। यस सर। वो चाहे तुम वेब की करो चाहे तुम मोबाइल की करो या आजकल तुम डेटा साइंस करने लगे हो डेटा साइंस ही करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड ईयर तुम डेवलपमेंट पर एक्सप्लोर करो। तो मेरे हिसाब से पहले दो ईयर मैंने ब्रेथ के ईयर बोले हैं। यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू वन काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग एंड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अनदर काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग, ये ब्रेथ सर दोनों टच कर लिए। ठीक है एक क्वेश्चन सर, ये जैसे सर सेकंड ईयर वाला जो पार्ट है वेब मोबाइल और डेटा साइंस वाला, इसमें डायरेक्ट जंप किया जा सकता है कि या इसके लिए पहले डीएसएल को कर लेनी चाहिए? एडवांटेज होगा, मेरे हिसाब से एडवांटेज होगा। अगर तुम डीएसएल को करके तुम इसमें आ रहे हो तो तुम्हें एडवांटेज पक्का होगा। okay. क्योंकि डीएसएल को लिखते लिखते वो एक बेसिक कंप्लीटनेस तुमने पूरी कर ली है तो तुम थोड़ा थोड़ा ऊप समझने लगे हो, तुम्हारी उंगलियों पे कोड जचने लगा है। या सीधा जैसे तुम वेब में आ जाओगे ना तो तुम बहुत जल्दी इस चीज पर फोकस हो जाओगे कि आउटपुट प्रोड्यूस करना है। आउटपुट प्रोड्यूस करना एक अच्छी वो है मोटिवेशन है, लेकिन आउटपुट प्रोड्यूस करने के टाइम पर ऐसा ना हो जाए कि तुम गुड कोडिंग प्रैक्टिसेस या लॉजिक का महत्व समझ ही ना पाओ। और खासकर ना वेब में जैसे सोच के देखो मेजॉरिटी ऑफ वेब एप्लीकेशन क्या होती है, डेटाबेस से चीज निकाली थोड़ा सा उसको एचटीएमएल बनाया और रेंडर कर दिया। अब ये काम ओवर एंड ओवर अगेन करोगे लॉजिक बहुत नहीं सीखने वाले हो, टूल्स एंड ट्रिक्स बहुत सीखने वाले हो, लॉजिक बहुत नहीं सीखने वाले हो। इसके बेसिस पर सिर्फ वेब वाली स्किल के बेसिस पर Microsoft, Amazon, Fang companies को टारगेट करना मुश्किल होगा। तो मेरे हिसाब से DSL को मैं इंट्रोड्यूस करके इसमें आएंगे तो बेहतर रहेगा। पर अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट ईयर में वेब मोबाइल या डेटा साइंस सीधा कर लिया DSL को करना तो कुछ बिगड़ा नहीं है, अब वो सेकंड ईयर में DSL को कर सकता है। ठीक है मेरे हिसाब से पहले तो होने चाहिए प्रेफरेबली फर्स्ट ईयर में DSL को सेकंड ईयर में डेव, पर अगर वो उल्टा करना चाहता है तो इट इज फाइन, कोई बिगड़ा नहीं कुछ नहीं। हाँ थोड़ा टफ पड़ जाता है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो डेव वाला पार्ट है, अगर अगर आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो, मतलब आपने डीएसएल को आपको अच्छी आती है और आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिक बिल्डिंग अपनी अच्छी कर ली है, तो फिर आप एक बेटर वेब डेवलपर या बेटर डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। ऑफ कोर्स ये वाली बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मालूम कैसे, जैसे मैंने भी 6-7 साल अपने करियर में वेब डेव किया पर बिना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की बात के बिना किया, और उसके बाद मैंने अपने डीएसएल को स्किल बनाई। और अब जो मैं वेब में कर पाता हूँ ना, मेरे पास स्लाइटली ज्यादा ट्रिक्स होती हैं। मतलब जो अभी भी मेरी टीम भी है यहाँ पर जो डीएसएल को बहुत नहीं करती और सीधा डेव करती है, मेरी टीम भी यहाँ पर जो है वेब कोडिंग में सॉफ्टवेयर डेव जो करते हैं वो डीएसएल को नहीं करते, तो मुझे उनमें वही वाला एलिमेंट दिखता है जो मैं 6 साल के एक्सपीरियंस में सॉफ्टवेयर डेव करता था जब मुझे डीएसएल को नहीं आते थे। तो मेरे पास भी कुछ टूल्स एंड ट्रिक्स कम थे, उनके पास वही टूल्स एंड ट्रिक्स कम है। अब मैंने खुद में वो ऐड किया तो मैंने वो फर्क समझा। तो जनरली डेव करने वाले बच्चे डिस्करेज करते हैं कि डीएसएल को की बनाई हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, पर डीएसएल को करने के बाद करोगे तो तुम्हें 2 ट्रिक्स ज्यादा आती होंगी, ज्यादा अच्छी कर पाओगे, ज्यादा पुख्ता कर पाओगे। ठीक है अब थर्ड ईयर को मैं ये बोलता हूँ, थर्ड ईयर इज योर रिज्यूमे स्लैश इंटरेस्ट स्लैश पर्सनल ब्रांड ईयर। इसमें तुम्हें अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहिए। ये उन कॉलेजेस के लिए बहुत रेलिवेंट है जिन कॉलेजेस में बहुत सारी कंपनियां नहीं आती। जैसे अगर तुम्हारे कॉलेज में माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, फेसबुक,
फेसबुक तो कहीं भी नहीं आती, गूगल कोनेशन वगैरह नहीं आती है, तो तुम्हें तुम्हें तुम्हारे पर्सनल ब्रांड की जरूरत है। तुम अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ ताकि तुम्हें मौका मिल सके इन कंपनीज के साथ इंटरव्यू करने का। और पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है कि तुम अपना इंटरेस्ट परस्यू करो। तो जो इसको मैं डेप्थ ईयर भी बोलता हूँ, जो तुमने फर्स्ट टू ईयर्स में जो चीज़ें एक्सप्लोर करी है ना, पता करो मज़ा किस में आया था। इसमें मज़ा आया था क्या? इसमें मज़ा आया था तो इस साल को, इस साल DSL को ही रगड़ेंगे। और अगर डेव में ज़्यादा मज़ा आया था इस साल डेव रगड़ना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर मैं ऐसा बोलता हूँ कि इस ईयर के अंदर बच्चों का स्प्लिट हो जाएगा। कुछ बच्चे डेव में महारत हासिल करेंगे, कुछ बच्चे DSL को में महारत हासिल करेंगे। जो DSL को में कुछ करना चाहते हैं, पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, रिज्यूमे भारी करना चाहते हैं, उन्हें मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कोड फोर्सेस, कोड शेफ। मैं इनको कॉम्पिटिटिव के रीजन से नहीं मैं इनको वो कर रहा, रिकमेंड कर रहा, वो तो एक एडिशनल फायदा है कि तुम्हारा दिमाग चलने लगेगा। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर तुम 5-6 स्टार बन गए ना, 5-6 स्टार बनने के बाद जब तुम लिंक्डइन पे लोगों से रेफरल मांगोगे, तुम्हें इंटरव्यूज बहुत आराम से मिल जाएंगे। और अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर डेव में मजा आया था, तो मैं इस साल कहूंगा तुम ओपन सोर्स करो बहुत सारा। कोई फर्क नहीं पड़ता गूगल समर ऑफ कोड क्रैक होता है या नहीं होता, हो गया बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तब भी अगर तुम ओपन सोर्स कर रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया इसलिए है कि तुमने वो वास्ट कोड बेस देख लिया है, तुमने रियल टाइम रियल सॉफ्टवेयर में कॉन्ट्रीब्यूशन कर लिया है, तो तुम किसी के लिए भी वैल्यूएबल नजर आओगे जब फोर्थ ईयर प्लेसमेंट में उसके सामने बैठोगे। तो डेव वालों से मेरा ये है कि ओपन सोर्स करो, जी सॉफ्ट करने की कोशिश करो। गर्ल स्टूडेंट है तो आउटरीच की भी कोशिश करें। और इन एनी केस ये क्रैक हो या ना हो, कंट्रीब्यूट DSL को का मजा आ रहा था कोड फोर्सेस का, ये मेरा थर्ड ईयर के बारे में कहना है। तुम क्या कहते हो बेटा, थर्ड ईयर में और क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से थर्ड ईयर थोड़ा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा मजा क्या कहते हैं मशीन लर्निंग में आया, तो थर्ड ईयर में आप मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट बना लें ताकि रिज्यूमे में डालने के लिए प्रोजेक्ट मिल जाए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप एक बहुत टीयर वन कॉलेज की बात करोगे और एक प्राइवेट कॉलेज या नॉर्मल कॉलेज की करोगे, तो जहाँ पे कंपनीज विजिट कर रही हैं वहाँ के बच्चे से प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे को अपने आप को ज्यादा तैयार करना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल करना पड़ता है, तो आपको बेटर होना होगा। वही मेरा भी थर्ड ईयर के बारे में कीवर्ड मेरा ये है कि इंटरेस्ट एरिया क्या है, मजा किसमें आ रहा था, और पर्सनल ब्रांड ईयर। अब अपना ब्रांड बनाओ, ब्रांड ईयर रिज्यूमे या कुछ भी बोल लो, या तो ये दोनों चीजों को मर्ज करो, इंटरेस्ट अपना एक्सप्लोर करो और अपना ब्रांड बनाओ। दैट इज व्हाट आई थिंक। ये थर्ड ईयर और पूछना चाहूंगा इसमें कि मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि जैसे किसी ने बोला कि आजकल डेटा साइंस का टाइम है तो सीधा डेटा साइंस में, आप पहले करके देखो वेब, करके देखो डेटा साइंस, थोड़े थोड़े टाइम करके देखो और आइडिया ले लो कि सच में किसमें मजा आ रहा है, क्योंकि मतलब वेस्ट हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा होगा तो। ये बिल्कुल सही बात है, थर्ड ईयर तो मजे के लिए ही होना चाहिए। हाँ। तो इसीलिए अपने फर्स्ट दो ईयर में अपनी ब्रेथ बना लो, वो फर्स्ट ईयर में सब कुछ छू के देख लो। अब सब कुछ छू के देख लिया, अब जिसमें मजा आया था उसको कमिट हो जाओ और उसमें करो बढ़िया से, ठीक है? अब थर्ड और फोर्थ ईयर की छुट्टियां आती हैं, यहाँ पर ये बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है, वेकेशंस, इनको मैं अलग से मार्क करूंगा। तो इस दौरान मेरा ये सजेशन है बेटा, चाहे तुमने कॉम्पिटिटिव की थी या नहीं की थी, पर तुम्हें लीड कोड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने चाहिए। लीड कोड से 500-600 सवाल, इसको मैं बोलता हूँ इंटरव्यू प्रिपरेशन, 500-600 DSL को के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे किसने कितना ही कॉम्पिटिटिव किया हो, लेकिन अगर ने वो ट्रिक क्वेश्चंस नहीं करे है ना, तो वो कॉम्पिटिटिव वाली स्किल यहाँ पर नहीं कन्वर्ट हो पाती। क्योंकि मेरा भी एक टीए है जो 6-स्टार है, लेकिन उसको यहाँ पर परेशानी पड़ जाती थी, वो ट्रिक वाले क्वेश्चन उसके लिए भी ट्रिक वाले ही होते हैं, उसको भी वो ट्रिक्स नहीं सूझती। तो वेदर और नॉट यू आर कमिंग फ्रॉम कॉम्पिटिटिव बैकग्राउंड, इन वेकेशंस में तुम्हें लीड कोर्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट 500-600 सवाल, वो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का टैग लगा हुआ होगा, डीपी के सबके 50-50 उठा लो, डीपी के 50, ग्राफ के 50, मीडियम हार्ड तुम्हें कर लेना चाहिए लीड कोर्स। दिस व्हाट आई से रिलेटेड वेकेशन में जी, इससे रिलेटेड लिस्ट शेयर कर देंगे जो कि हां बिल्कुल, ये लिस्ट है जो मैंने हमने साथ में करी थी, ये वाली लिस्ट इंटरव्यू प्रेप वाली लिस्ट, ये तुमने भी कवर की थी, ये हम क्या कहते हैं पेज पे शेयर कर देते हैं ताकि ये मैं बेसिकली हर जगह के बेस्ट क्वेश्चंस हैं लीड कोड के, मतलब लीड कोड में लोग 1500 क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से करने हैं कौन से नहीं करने हैं, क्योंकि कई बार को सेम से 10 क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं होता। अगर आप थोड़ी वेरायटी कर लो एरे में, थोड़ी वेरायटी कर लो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है अगर टाइम कम है तो।
मुझे भी ऐसे वैरायटी इंट्रोड्यूस की गई है, हर प्लेटफॉर्म के कुछ क्वेश्चंस हैं और मतलब परफेक्ट है प्लेसमेंट प्रिपरेशन। एक ये और है मेरे पास आजकल, ये हम बच्चों को और देते हैं, तो ये भी तुम लिंक शेयर कर देना बच्चों को, ये लिंक हम शेयर कर देंगे चैनल पे। इसमें हमने ये लिंक लिस्ट के, स्टैक क्यू के, डीपी के हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं, तो ये नोट्स भी बच्चों के काम आ सकते हैं, तो ये भी हम शेयर कर सकते हैं। टाइम कम है, खुद के नोट्स नहीं बना सकते, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। ऑफ कोर्स सबसे अच्छा रहेगा अपने नोट्स खुद बनाओ, पर अगर नहीं बना सकते तो ये है। ठीक है, अब फोर्थ ईयर के स्टार्ट में मेरा ऐसा कहना है कि तुम प्लेसमेंट में बैठो, उसके अंदर जो मैंने बताया ही था सबसे इम्पोर्टेंट डीएसएल को होने वाला है, इन्हीं छुट्टियों में, वेकेशन वाली छुट्टियों में तुमको बाकी की चीजें भी कर लेनी होती हैं, जिसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, टूल्स, सिस्टम डिजाइन। अब इसके लिए एक और एडवाइस ये दूंगा कि OSDBMS टूल्स और सिस्टम डिजाइन ना अगर तुम सीखा यहाँ पर छुट्टियों में पहली बार ढंग से करोगे हो नहीं पाएगा अच्छे से, तो चार साल है तुम्हारे कॉलेज के। मैं नहीं कह रहा हूँ हर सब्जेक्ट को तुम पढ़ो बहुत डेप्थ में, पर इन तीन सब्जेक्टों को, इन तीन सब्जेक्टों को नॉलेज के लिए पढ़ो, OS, DBMS और OOPS। DSL को तुमने कर ही लिया था, ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट तुम्हें नॉलेज के लिए पढ़ने हैं, क्योंकि ये फाइनल ईयर में पूछे जाएंगे प्लेसमेंट। मैं इसमें एक ऐड करना चाहूंगा, तो मेरा पर्सनल एक, हां जी हां जी बताइए, कि OS, DBMS और CN ये सब्जेक्ट, एम आई ऑडिबल? हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ। तो मेरा पर्सनल सजेशन OS, DBMS ये है कि जब सेमेस्टर में आपके OS सब्जेक्ट हो, जब DBMS सब्जेक्ट हो, जब CN सब्जेक्ट हो, तो उसको उसी टाइम बहुत अच्छे से कर लो, ताकि ग्रेड भी अच्छा आ जाए और वो उसी टाइम सब्जेक्ट टाइम टू टाइम हो जाए, ताकि लास्ट में रिविजन का रह जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें तुम एक चीज और बता सकते हो, जैसे तुमने तुमने अमेज़न भी क्रैक किया था, तुमने गेट भी किया, तुमने ये दो चीजें बहुत ही तोड़ू कर दी, अमेज़न निकाला और गेट भी निकाला, ठीक है, तो तुमने कैसे बैलेंस आउट किया, तुमने कहां पर ये गेट वाली तैयारी को इंक्लूड किया कि गेट की तैयारी करते करते अमेज़न क्रैक हो जाए? सर, गेट की तैयारी का मेनली मेरा ये रहता था कि जो भी मैंने सब्जेक्ट्स की लिस्ट निकाल ली थी, तो जो भी सब्जेक्ट गेट में आता था, जो कोर सब्जेक्ट्स आते हैं CN, OS, DBMS, DSL को, ये सारे, तो जब ये सेमेस्टर में पढ़ाए जाते थे, तो उस टाइम मैं इनको थोड़ा ज्यादा ढंग से सुनता था, और इन पे मतलब इन बाकी सब्जेक्ट्स को उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता था, पर इनको मैं ध्यान देता था, तो उससे भी थोड़ा सा प्रिपेयर हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, जब मेरा सिक्स्थ सेमेस्टर था, मतलब मैंने मेरा ऐसा रहा है कि मैंने जो पूरा DSL को वाली जर्नी रही है वो स्टार्ट की है फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद, समर वेकेशन आपसे मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था तब, तो मैंने जो भी आपने कराया था थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में वो पूरा रिवाइज कर लिया। मतलब थर्ड सेमेस्टर में DS बहुत अच्छे से करी, फोर्थ सेमेस्टर में एल्गो बहुत अच्छे से करी। मतलब मैं थोड़ा लेट हूँ ये फर्स्ट ईयर वाला पार्ट, मतलब कुछ लोगों का ये भी डाउट था कि हमारा फर्स्ट ईयर हो गया है और हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, मतलब हमने सिर्फ फंड किया, अभी अब हम सेकेंड ईयर से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या अब हमारी चांसेस हैं अमेजोन गूगल जैसी कंपनीज के लिए? तो मैं यही बोलूंगा कि मैंने सेकेंड ईयर से किया था स्टार्ट, थर्ड सेमेस्टर में DS बहुत अच्छे से करी, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते थे कर लिए, फोर्थ सेमेस्टर में एल्गो बहुत अच्छे से कर ली, फिर इसके बाद जब थर्ड ईयर का जो फिफ्थ सेमेस्टर होता है उसमें कोड फोर्सेस बहुत अच्छे से कर लिया। अच्छा। जितने कॉन्टेस्ट होते थे कोड फोर्सेस कोड शेफ के वो देता था, मतलब फिफ्थ सेमेस्टर पूरा डेडिकेटेड कॉम्पिटेटिव, और मतलब पैरेलली जब मेरे को समर वेकेशन वगैरह मिलते थे तब मैं डेवलपमेंट वाला पार्ट देख लेता, तो मैंने उसमें थोड़ा मशीन लर्निंग वाला किया था, ताकि जो कॉलेज के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी उसमें बना दूं। और फिर फाइनली सिक्स्थ और सेवन्थ सेमेस्टर में मैंने मेनली गेट पे फोकस किया था, और गेट के साथ साथ जैसे कि आप मतलब मैंने सबसे पहले क्या किया, जब मुझे गेट स्टार्ट करना था, सेकेंड ईयर खत्म हो चुका था, मैंने DSL को कर ली थी, तो सेकेंड ईयर खत्म होने की जो वेकेशन होती है उस टाइम मोस्टली किसी के पास इंटर्नशिप वगैरह नहीं होती और लोग फ्री होते हैं, तो मैंने उस इंटर्नशिप में पेप कोडिंग ज्वाइन कर लिया था इंटरव्यू प्रेप के लिए। तो वहां पर मैंने कर लिए 400-500 क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो अभी लिस्ट शेयर यही वाली लिस्ट की थी। तो इससे मेरी जो तैयारी थी सेकेंड ईयर के एंड में इतनी अच्छी हो गई थी कि मैं कॉन्फिडेंट था कि अगर अभी भी कंपनी आ जाए तो मैं बैठ जाऊंगा, DSL को तो एटलीस्ट कर ही लूंगा, प्रोजेक्ट भले अभी रेडी ना हो। तो उसके बाद मैंने गेट की तैयारी पे फोकस किया, तो जो अमेज़न का जब प्लेसमेंट वाला दिन था, तो मतलब मैं गेट के साथ ये करता था कभी कभार, जैसे मुझे जब टाइम मिलता था तो मैं एक दो क्वेश्चन लीड कोड के लगा लेता था, ताकि हाथ में बनी रहे, DSL को भूलू ना।
जब अमेज़न का टेस्ट था तो उस दिन मतलब तब मैं पूरे प्लेसमेंट सेशन में किसी कंपनी में नहीं बैठा क्योंकि मैं गेट के साथ प्लेसमेंट सेशन को बैलेंस नहीं कर सकता था। बट अमेज़न थोड़ा स्पेशल था मेरे लिए तो मैंने ये सोच रखा था अमेज़न आएगी तो ही बैठूंगा अदरवाइज नहीं। जब मैं अमेज़न में बैठा तो मतलब मैं जब सुबह गया था तो मैंने थोड़ा सा पहले जो वो लिस्ट थी उसका जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था तो लोग ये भी पूछते हैं कि नोट्स बनाने चाहिए या नहीं, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो बहुत डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाने चाहिए पर हर क्वेश्चन में एक थोड़ी सी ट्रिक जो होती है ना, या जैसे रिकर्जन का क्वेश्चन है तो उसमें एक ट्री ड्रॉ करते हैं जो भी, तो वो मैं साथ साथ एक कॉपी में बना लेता था ताकि थोड़ा सा लास्ट में देखने के लिए हो जाए। तो जब अमेज़न वाला दिन था तो फिर मतलब मैं कॉन्फिडेंट इतना था कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं तो अगर कोई नया क्वेश्चन भी वो पूछेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि मैं ब्लैंक हो जाऊं, क्योंकि मैं मतलब एक चीज पर्सनली बहुत ज्यादा फील करता हूं कि जैसे मेरे को कभी कोई नया डीपी का क्वेश्चन दे देता है तो जैसे मेरे को ये क्वेश्चन पूछते भी हैं बदलो कि जैसे सर हमने एक क्वेश्चन ट्राई करा आज कर लिया काफी टाइम दिया, 3 महीने बाद सेम क्वेश्चन मिल गया नहीं कर पा रहे तो सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो सर इसका आप भी आंसर दे देना, मैं थोड़ा जो मेरे लिए पर्सनली वर्क करा मैं वो बता देता हूँ। मेरा ये था कि क्वेश्चन को मैंने कभी भी रटने की कोशिश नहीं की, मैंने ये नहीं चाहा कि ये क्वेश्चन सबमिट हो जाए, मैंने ये इनसाइट पैदा करने की कोशिश करी कि ये जो क्वेश्चन है ये असलियत में चाह क्या रहा है और ये मतलब पूरा बनेगा कैसे। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे मैंने सर आपसे जब रिकर्जन पढ़ा था तो रिकर्जन मुझे एक चीज ये थी कि मतलब इतना ज्यादा अच्छे से रिकर्जन कोई पढ़ा नहीं सकता, मतलब जितना हमने प्रैक्टिस करी थी 80-90 क्वेश्चन रिकर्जन के प्रैक्टिस कर लिए, तो ये होता है कि जैसे अगर रिकर्जन बहुत अच्छा है तो बैक ट्रैकिंग भी अच्छी हो गई, बैक ट्रैकिंग अच्छी है तो ट्रीज के क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी हो गए, और अगर रिकर्जन अच्छा है तो डीपी भी आपके लिए आसान हो जाती है फिर। बिल्कुल सही, ये सारे कनेक्ट हो जाते हैं अगर रिकर्जन अच्छा कर लिया तो रिकर्जन बैक ट्रैकिंग अच्छी है तो तुम्हारा ग्राफ ट्री और डीपी हैंडल है। तो मतलब मैंने ये चीज करी कि जब रिकर्जन वाला पार्ट था तो उसमें एकदम ट्री बना के जैसे आप क्लास में कराते थे एक एक पूरा स्टैक बनवाया, मतलब इतना डिटेल में मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं कि रिकर्जन इतना डेप्थ भी होता है, तो उसकी वजह से मतलब मेरे को एक इनसाइट पैदा हो गई थी। तो जब भी मैं क्वेश्चन देखता था तो मुझे पता चल जाता था थोड़ा सा कि ये कुछ नहीं तो मैं रिकर्सिवली इसको ऐसे कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं उसमें डीपी लगा देता था इस तरह से। तो ये चीज होती है जैसे बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, गीक्स पढ़ लिए आपने, गीक्स से आपने 500-700 क्वेश्चन पढ़ लिए आपको, हाँ तो आपको रिपीटेटिव क्वेश्चन मिल गए और मतलब आपको इंटरव्यू में याद थे वो सारे क्वेश्चन आपने बता दिए, तो उससे भी कई बार को नहीं काम बनता, क्योंकि जो मैंने पर्सनली फील किया है मतलब मैं अमेज़न के एक्सपीरियंस के साथ मतलब मेरे जो अदर फ्रेंड्स हैं जो गूगल वगैरह में, मैं उनका एक्सपीरियंस मैंने लिया तो ये था कि जैसे गूगल जैसी कंपनी में कभी भी वो रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं पूछते, वो कभी भी वो गीक्स का क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे। अगर आपने इनसाइट पैदा करी है, अगर आपको पता है कि एन क्वींस क्वेश्चन कैसे होते, तभी आप गूगल जैसी कंपनी का क्रैक कर पाओगे, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं पहले एन क्वींस पूछ लिया मान लीजिए तो फिर उसके बाद वो उसमें ऑब्स्टेकल डाल देंगे, वो इतनी वेरिएशन कर देंगे एक ही क्वेश्चन को 6 तरीके से पूछ लेंगे कि अगर आपने इनसाइट नहीं पैदा करी होगी तो आप फंस जाओगे। बिल्कुल, लेकिन अमेज़न के लिए मैं बोलूंगा कि अमेज़न में रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं तो अगर किसी ने लीड कोड वगैरह लगा रखा है तो अमेज़न इजी है, तो निकल जाएगी। अच्छा एक चीज और, तो तुमने नोट्स नहीं बनाए, अगर तुमने नोट्स बनाए होते तो फायदा होता तुमको? मैंने सर मतलब नोट्स मैंने हल्के फुल्के बनाए थे इस तरीके से कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड बट ट्रिक लिख ली, मैंने पूरा नहीं लिखा कि क्या कोड था, मतलब कि ये क्वेश्चन में ये चीज लग रही थी बस इस तरह से, ज्यादा डिटेल नहीं। तो बस नोट्स का ही फायदा होता है कि लास्ट मोमेंट पे आपके पास में इतने सारे क्वेश्चन होते हैं तो रिवीजन जल्दी हो जाती है। हाँ मतलब बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि लास्ट ईयर आता था अब भूल गया हूँ कैसे करूँ, मैं कहता हूँ नोट्स बनाए तो नजर मार लो, अब नोट्स नहीं बनाए तो दिक्कत आती है। हाँ ये चीज होती है। ठीक है तो सर दोनों चीज डिस्कस हो गई,
फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर का रोड मैप भी डिस्कस हो गया, और एक वो भी डिस्कस हो गया कि अगर किसी ने फर्स्ट ईयर में नहीं स्टार्ट कर पाया सेकंड ईयर में तो कैसे करना है। सर एक चीज और भी, अगर जो बच्चे अभी एकदम 6 महीने बाद प्लेसमेंट देने वाले हैं उनके लिए क्या रोड मैप रहेगा? मतलब देखो यार, इसका है तो असली बात ये कि अच्छे से सुकून से तैयार करनी है तो भैया 4 महीने लगते हैं, पर मैं ये कहता हूँ कि कोई थर्ड ईयर के दिसंबर में भी तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है, थर्ड ईयर के दिसंबर में, तो भी वो फोर्थ ईयर की अगस्त में कोई भी बड़ी कंपनी क्रैक कर सकता है, इंक्लूडिंग अमेज़न, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट, इंक्लूडिंग एनीथिंग। सिर्फ दिसंबर में तैयारी स्टार्ट करके अगस्त तक 8 महीने की ही तैयारी है, 8 मंथ लगते हैं। और मैं इसकी भी बात करता हूँ, अगर तुम फोर्थ ईयर के भी दिसंबर में स्टार्ट करते हो, भाई कई बार बच्चे पता क्या कहते हैं, अजीब सी बात बोलते हैं, फोर्थ ईयर का जून है, फोर्थ ईयर के जून में बोलेंगे या जुलाई में बोलेंगे, जून भी निकल गया, जुलाई में बोलेंगे कि भैया तैयारी बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं आता और सपना तो अमेज़न का है। अब मैं कह रहा भैया सपना पूरा नहीं हो सकता, 1 महीने में नहीं हो सकता, अब सब्र, आराम से 8 महीने तैयारी कर, कॉलेज में कंपनियां चली जाएंगी तो जाने दो, अब अगली फरवरी में क्रैक कर लेना। मतलब कि देखो जब तैयारी ही नहीं है तब चाहे कोई कंपनी आती रहे, चाहे तुम्हारा प्लेसमेंट सीजन निकल रहा है तो निकल रहा है, कोई बात नहीं, और जिस दिन तैयारी होगी उस दिन एक ही अपॉर्चुनिटी बहुत है। हाँ। तो कभी भी टू लेट नहीं है मेरे हिसाब से। फोर्थ ईयर में भी कोई आ गया है ना, फोर्थ ईयर के अगस्त में आ गया है, सितंबर में आ गया, जागा है, इट इज नेवर टू लेट। जो भी ज्वाइन करेगा वो अगले साल जून में ही तो ज्वाइन करेगा, तुम्हारा पूरा 1 साल पड़ा है, तैयारी तो 8 महीने की है, 8 महीने में तुम तैयारी करके 4 महीने में रेफरल जुगाड़ कर यू कैन स्टार्ट एट द बेस्ट प्लेस फॉर योरसेल्फ, Amazon, Microsoft, कुछ भी, कहीं से भी स्टार्ट करो, ठीक है? तो 8 महीने लगते हैं तैयारी करने के अंदर, ऑल इन ऑल 8 महीने का मैं तुमको एक बार वो लेखा जोखा दे देता हूँ, 200 डेज का प्लान बना रखा है, 50-50-50 दिनों में मैं उसको तोड़ता हूँ 4 हिस्सों में। पहले 50 दिन बंदे ने कुछ नहीं किया, पहले 50 दिन मैं बोलूँगा DSM की के कॉन्सेप्ट्स पक्के कर लो, जो कॉलेज में तुम्हारा DSM कोर्स था और जो कॉलेज में तुम्हारा ऐडा वाला कोर्स था उसी कॉन्सेप्ट पे कर लो। इसका मैंने एक बना लिया फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि कोई बच्चा ये ना कह पाए कि यार मेरे पास पैसे नहीं है कैसे तैयारी करूँ, तो ये बना लिया मैंने एक रिकॉर्डिंग रिसोर्सेज ऑनलाइन जावा फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्स। तो तुम इसमें से कोई भी, तुम्हें मैंने लाइन वाइज क्वेश्चन बना रखे हैं, किसी भी क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन पढ़ो, एडिटर में जाके क्वेश्चन सबमिट करने की कोशिश करो, और अगर नहीं तुमसे क्वेश्चन हुआ तो सोल्यूशन देखो, ये सोल्यूशन वीडियो रही, सोल्यूशन वीडियो देखो, एंड यू सर्टेनली विल बी एबल टू डू द क्वेश्चन। फाउंडेशन के लिए बिल्कुल लाइन से ये कोर्स बना रखा है, ऑल द वे टू ग्राफ्स। तो सर सारे फाउंडेशन के लिए हमारा ये है कि फाउंडेशन में बच्चा हर टॉपिक को टच कर लेगा DSL को के। फाउंडेशन में हर टॉपिक के 20 सवाल, डीपी के भी 20-30 बन गए, ग्राफ के भी 20-30 बन गए, स्टैक क्यू के 20-30, लिंक लिस्ट, BST, हैश मैप, हीप, सब एक बार टच कर लिया, मतलब उसे पता चला कि होता क्या है, और एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन सबके हर टॉपिक के प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है? मतलब हमने 20 क्वेश्चन पर टॉपिक रखे हैं, हर टॉपिक के 20 सवाल वो बना ले, तो तकरीबन 350 मैंने वीडियोस रखी हैं, 350 वीडियोस के साथ बड़ा अच्छा फाउंडेशन उसका बन जाएगा, 50 डेज में हो जाएगा। कोई भी बच्चा जिसने जिंदगी में प्लान फ्रीली अवेलेबल है वेब कोडिंग की साइट पे, ये रहा, ये आपको होम पर आना है, यहाँ पर जो मेन साइट है इसमें ये फ्री रिसोर्सेज दिखता है, इस पे क्लिक करोगे तो जहाँ होगे इसमें ये लेवल 1 फाउंडेशन लिख रखा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके अंदर आकर तुम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो, एडिटर बना हुआ है, ठीक है? अब आते हैं हम सेकेंड 50 दिनों में। ये 50 दिन है वो लीड कोड वाली लिस्ट, लीड कोड या IP वाली लिस्ट, बेसिकली जो ये है ना, ये पता है क्या है लीड कोड IP वाली, ये है, ये ग्रीन लिस्ट, ये ग्रीन लिस्ट को बनाने की कोशिश करो, इसमें ज्यादा मेहनत लगेगी, 50 दिन में ज्यादा मेहनत लगेगी लेकिन बन जाएंगे ये 50 दिन। जो अब दूसरे 50 दिन है ना, पहले 50 दिन को 4-5 घंटे काम करते एवरीडे तो चल जाता, लेकिन इन 50 दिनों में तुम्हें 10-12 घंटे एवरीडे काम करना पड़ेगा, 10-12 तो ज्यादा बोल रहा हूँ, 8-10 घंटे एवरीडे करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, ऑन एन एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन अगर करेगा इंसान तो इतना टाइम लगेगा। इसमें ना मेरा सजेशन पता है क्या है, मेरा एक अजीब सा सजेशन बोलूंगा जो शायद तुम्हें पसंद भी नहीं आएगा और तुम्हारे तरीके को सूट भी नहीं करता, वो है रीड एंड सॉल्व, रीड एंड सॉल्व। मतलब कि मैं यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा रट्टा मरवा रहा हूँ, मतलब मैं क्या करा रहा हूँ, क्वेश्चन का सोल्यूशन पहले देख लो, वरना ना तुम रोज के 10 सवाल करोगे और हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, खासकर जो लेट हो गया,
जिसको अभी फर्स्ट ईयर में वो सॉल्व करने के बाद रीड करे और जो लास्ट ईयर में वो रीड कर ले सॉल्यूशन उसके बाद सॉल्व करे, पहले रीड कर ले बाद। इससे क्या होगा जल्दी जल्दी हो जाए। ये वाला टाइम है इसके अंदर तुम क्या करो, पहले टाइम में तुम फाउंडेशन बना रहे थे अपने, अभी तुम यू आर लोडिंग ट्रिक्स अप योर स्लीव, सीख रहे हो जो क्वेश्चनों की है, एक बड़ा सा क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है, इसमें से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ये ट्रिक्स से बाद में और नए क्वेश्चन सॉल्व करने के। लास्ट 50 दिन अब मैं बोलता हूं रीड को लिस्ट रखो, मैं दूसरी लिस्ट भी है मेरे पास, दूसरी लिस्ट दिखा दूंगा, ये दूसरी लिस्ट यहां पर है आईपी नोट्स में, ये रही दूसरी, तो ये दूसरी लिस्ट सॉल्व कर सकते हो। पर अब पता क्या करो, अब अपना दिमाग बढ़ाना, सॉल्व एंड रीड, सॉल्व एंड रीड, पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होता तो सॉल्यूशन पढ़ना है, हर क्वेश्चन पे 2-3 घंटा लगा सकते हो, वही 8-10 घंटे में आ जाओ, तो इसके अंदर तुम्हारा कोडिंग एक्यूमेन ग्रो करेगा, इससे तुम नई प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक हो जाओगे, यहाँ पर तो ओल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक हो गए थे, ओल्ड प्रॉब्लम्स ये न्यू प्रॉब्लम्स पे लेके जाएगा, ये दो कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट बनानी है। इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि कोई नई प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तो सर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ा, 10 मिनट देते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आया, एक घंटा उसमें और बताया, अगर तब भी वो क्वेश्चन नहीं बना तो एक क्वेश्चन पे आइडियली कितना टाइम देना चाहिए? मैक्स तीन घंटे, 2 घंटे खुद ट्राई कर लो, 2 घंटे में नहीं हुआ तो 1 घंटा पढ़ के करने के लिए रख लो, क्योंकि तुम्हें बैलेंस, अगर मतलब 12 घंटे तुम एक सवाल पे नहीं लगा सकते, 12 घंटे लगाए और तुमने 50 दिन में 85 सवाल करे, तो तुमने जो कोडिंग एक्यूमेन में गेन किया वो तुमने वॉल्यूम में खो दिया। इंस्टेड मैं ये बोलूंगा तुम, मैं बोलूंगा 2 घंटे रखो, 1.5 घंटा ट्राई करो, 1/2 घंटे में फिर रीड कर लो, अगर नहीं हुआ तो ठीक है, क्योंकि टाइम का तुम्हारे 5-6 सवाल बन जाएंगे, 50 दिन में तुम 300 सवाल लेके उठोगे, तो 300 सवाल इट्स डिसेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी चाहिए। उसका फायदा ये मेनली रिपीटेटिव अगर क्वेश्चन होते हैं कंपनीज में, तो अगर 300 क्वेश्चन लगा लिए तो फिर मतलब ज्यादातर क्वेश्चन हिट कर जाते हैं, एडवांटेज तो होती है बहुत अच्छी, वैसा नहीं बिल्कुल सेम वैसा सा क्वेश्चन तो आता है। तो सर आपका ये कहना है कि अगर टाइम कम है लास्ट के मोमेंट पे, तो उसको 50 मतलब जैसे आपने पहले बोला कि अगर किसी बच्चे के पास टाइम है तो बेटर होगा वो 50 क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से करे इंस्टेड ऑफ 300 क्वेश्चन करने के, और जब टाइम जिसके पास टाइम है ना वो ये दोनों स्टेज सॉल्व एंड रीड मोड में करेगा, पहले सॉल्व करने की कोशिश और नहीं हुआ तो रीड, और जिसके पास टाइम कम है ना वो एक स्टेज इसकी रीड एंड सॉल्व मोड में करेगा, पहले सीधे सॉल्यूशन पढ़ेगा उसके बाद सॉल्यूशन पढ़ने के बाद सॉल्व करेगा। ओके, तो थर्ड जो 50 डेज है उसके लिए एक मैं सजेशन देना चाहता हूं। बिल्कुल, ये कि जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया तो मान लो 10 मिनट दे दिया क्वेश्चन को पढ़ने में, अगर 10 मिनट बाद एकदम ब्लैंक हो, मतलब ये दिख रहा है कि ये क्वेश्चन में क्या क्या ही लैंग्वेज है कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि और टाइम मत बर्बाद करो और जो सोल्यूशन है उसकी शुरू की 2-3 लाइनें पढ़ो, मतलब आइडिया लेने की कोशिश करो कि डीपी का क्वेश्चन है या बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन है, फिर इसके बाद सोल्यूशन बंद कर दो, दोबारा वापस आओ, दोबारा उसको ट्राई करो। तो इससे क्या होगा कि अगर आप 2-3 लाइन सोल्यूशन की देख के फिर से ट्राई करोगे तो एट दी एंड वो क्वेश्चन आप ही कर रहे हो, ऐसा नहीं हुआ कि आपने सीधा सोल्यूशन पढ़ लिया, क्योंकि कुछ लोग सोल्यूशन को पढ़ना बहुत गलत मानते हैं, तो ये क्लियर करना चाहूंगा कि सोल्यूशन पढ़ना गलत नहीं है पर सोल्यूशन गलत तरीके से पढ़ना नहीं, कि आपने क्वेश्चन खोला देखा समझा सीधा सोल्यूशन पढ़ा और याद कर लिया, वो नहीं करना है, तो ट्राई करो, नहीं समझ में आया सोल्यूशन से हिंट लेते जाओ एक एक करके। सोल्यूशन पढ़ने के भी तरीके हैं, अगर सोल्यूशन को तुम रट्टे की तरह से पढ़ोगे तो ऑफ कोर्स गलत है, और सॉल्यूशन से तुम नॉलेज निकालने के लिए पढ़ोगे स्किल निकालोगे तो ऑफ कोर्स सही तरीका है, ये ना, क्योंकि वो क्वेश्चन आज बन जाएगा पर इंटरव्यू में नहीं बनेगा फिर अगर रट्टा मार लिया। ठीक है, फिर जो लास्ट के 50 दिन बचाए हैं ना वो मैंने उसके लिए बचाए क्योंकि बच्चे ने कुछ भी नहीं किया हुआ था, तो उसका मतलब उसने ओएस भी नहीं करा होगा, तो 50 दिन मैंने उसके ऊप्स ओएस डेटाबेस सिस्टम डिजाइन प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए बचाए हैं। तो ऊप्स के लिए अगर जावा की ऊप्स कर रहे हो तो OCJP बुक बहुत अच्छी है, उसके 4 चैप्टर पढ़ लो, 2, 7, 8, 9 ये सारे रिसोर्सेज हम शेयर कर देंगे लिंक में वीडियो। ओएस के लिए मैं तो आजकल संचित जैन सर की वीडियोस रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि एक दिन में खत्म हो जाती है
और नॉलेज अच्छी है। तो संचित जैन सर सही है, थोड़ा सा डिटेल चाहिए तो रविंद बाबू रघुला की वीडियो सही है, आरबीआर। हाँ जी, बाकी लोग एनपीटीएल भी देख रहे हैं आजकल। हाँ, वो डिटेल के लिए हो जाएगा, पर गीक्स के अगर आर्टिकल भी देख लिए जल्दी जल्दी में, जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, मतलब अगर आपका दो दिन बाद इंटरव्यू है, आपको ओएस का आइडिया नहीं है, तो मैं ये बोलूंगा कि एक बार गीक्स पे ये देख लो कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। बिल्कुल सही। तो वो अगर आप पढ़ के चले जाओगे तो इंटरव्यूअर वही पूछेगा, क्योंकि जब मैं अमेज़न में था तो उस टाइम हायरिंग ड्राइव चल रही थी, तो मेरी टीम मेंबर्स वगैरह इंटरव्यूज ले रहे थे, तो मैंने बहुत नोटिस किया ये चीज कि सब सबके पास अपना काम होता है कंपनीज में, और सब इंटरव्यू लेने के लिए खाली नहीं बैठे होते हैं, SD2s लेते हैं इंटरव्यू, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 2, तो वो लोग क्या करते हैं, वो मतलब अपना काम 5 मिनट पहले बस उन्होंने गूगल किया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो खुद गीक्स मैंने बहुत बार देखा, मेरे से बोला कि भाई बता क्या क्वेश्चन पूछ लो, मैं सर अच्छा एक काम करना आज के अवे पूछ लेना, तो ऐसा भी होता है, तो मतलब वो लोग खुद देख के जाते हैं। कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे प्रॉब्लम पूछने के लिए इंटरव्यू के लिए अलग टीम होती है, जैसे गूगल में वो लोग अपने क्वेश्चन खुद बनाते हैं, वो लोग कभी भी गीक्स के क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे वहाँ पे, तो उसके लिए वहाँ पे एक्सपर्ट है, बट जनरली 90% कंपनीज में जो आपका इंटरव्यू लेता है वो SD1 SD2 है, और उसके पास इतना टाइम होता नहीं कि वो आपके लिए क्वेश्चन बनाए, तो वो खुद आपको गूगल पे जो पहले क्वेश्चन मिलते हैं ना ओएस के गीक्स पे जाके वही पूछते हैं, तो अगर वो पढ़ लोगे तो भी अच्छी एक ट्रिक है ये। बिल्कुल सही। DBMS के लिए कोई रिसोर्स जो तुम रिकमेंड करोगे? DBMS के लिए सर DBMS वाले पार्ट में थोड़ा SQL ज्यादा पूछते हैं अगर पूछते हैं, और थोड़ा सा वो 1NF 2NF और नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड स्टफ पूछते हैं, तो DBMS का तो मैं ये बोलूंगा कि अगर स्टैंडर्ड बुक जो है नवाते वगैरह उससे थोड़ा सा देख लें, अगर टाइम ज्यादा है तो ठीक है, अदरवाइज गीक्स का और संचित जैन सर का ठीक है। एक मुझे इंटरव्यू बिट का ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगता है, इस पे इंटरव्यू बिट का ट्यूटोरियल अच्छा है, और ऑफ कोर्स मैं भी पहली चीज जो बोलता हूँ वो संचित जैन और GFG बोलता हूँ, संचित जैन सर और GFG के वीडियोस देखो, और उसके बाद इंटरव्यू बिट का ट्यूटोरियल अच्छा है, 1F वगैरह बहुत अच्छा पढ़ाया है 1NF वगैरह, ठीक है, और उसके बाद W3 स्कूल से क्वेरी कर सकते हैं, वहां पे वो ट्राई हो जाएंगी, क्वेरीज की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि कई बार इंटरव्यूअर का ये होता है कि मतलब वो ये नहीं है कि एकदम उसने पूछा कि 1NF क्या होता है और तुमने बता दिया हो गया, कई बार ये होता है कि उन्हें अगर नॉलेज अच्छी होती है तो वो थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, तो फिर मतलब पता ये होना चाहिए कि चीजें वर्क कैसे कर रही है, ऐसा नहीं कि 1NF रट के चले गए, मतलब पता होना चाहिए यूज क्या है, जैसे मेरे से टेबल दिखा देंगे, टेबल दिखा के बोलेंगे इसकी कौन सी नॉर्मल फॉर्म में और बनाओ इसकी 1NF कैसे कन्वर्ट करोगे। तो मेरे से जैसे एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था पिंग कमांड क्या होता है CN में, तो वो मतलब पिंग कमांड का जो नॉर्मली लोग पढ़ते हैं जितना गीक्स वगैरह पे, तो उतना बता दिया, बट उतने से वो सेटिस्फाइड नहीं था, उसको ये था कि पिंग कमांड जब जाता है तो वो कौन सी लेयर तक, जैसे 5-6 लेयर होती है CN में, तो कौन सी लेयर टच करके फिर वापस आता है, तो फिर वो मतलब चाह रहा था कि उसको इनसाइट दूं मैं अच्छे से, तो फिर इन केसेस में होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आपको उसको स्टोरी बना के और मतलब आपको मजा आ रहा है उसको समझने में कि असलियत में चीज चल कैसे रही है, तो मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा डेप्थ में चले जाओ, फिर पढ़ लो उसके बारे में थोड़ा और अच्छे से। करेक्ट। अच्छा, सिस्टम डिजाइन का कहां से करते हो यार, सिस्टम डिजाइन आजकल बच्चे कहां से तैयार करते हैं? सिस्टम डिजाइन का मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि सिस्टम डिजाइन जैसे OS DBMS CN ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, सिस्टम डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बट SD2 के लिए, क्योंकि SD1 का जो मेनली काम होता है वो डिजाइन रिलेटेड नहीं होता, तो किसी किसी कंपनीज में सिस्टम डिजाइन पूछ लेते हैं, पर 90% कंपनीज में सिस्टम डिजाइन सिर्फ इतना पूछते हैं कि इंस्टाग्राम डेवलप करके दिखा दो, सिस्टम डिजाइन बता दो, ऊपर की सिस्टम डिजाइन बता दो, तो अगर यूट्यूब पे गौरव सेन वगैरह के वीडियोस देख लिए तो दैट इज मोर देन एनफ, मतलब अगर आपका 8-10 दिन बाद इंटरव्यू है तो 2-4-10, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि वो लोग खुद वही वीडियो गौरव सेन की ही वीडियो देख के आ रहे होते हैं, तो सिस्टम डिजाइन इतना डेप्थ कोई जाता नहीं है फ्रेशर से, पर कुछ कंपनीज अगर आप गूगल वगैरह टारगेट कर रहे हो तो मैं मतलब हाईली रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा डेप्थ में सिस्टम डिजाइन करके जाओ, तो सिस्टम डिजाइन के लिए अगर आपको आर्टिकल पढ़ने में मजा आता है तो educative.io का कोर्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पेड कोर्स है बट बहुत अच्छा है, मतलब वर्थ है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा अगर किसी के पास सच में जेन्युइनली बहुत टाइम है और वो चाहता है एकदम कि एकदम फाड़ तैयारी करना, क्योंकि जैसे
जो आईटीज वगैरह के बच्चे होते हैं वो सिस्टम डिजाइन एक गिटहब पे एक रिपोजिटरी बनी हुई है, प्रीमियर सिस्टम डिजाइन आप सर्च करोगे तो आ जाएगी। मैं एक बार क्या कहते हैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, मैं स्टॉप कर देता हूँ मेरी स्क्रीन। स्क्रीन सर मेरी शेयर हो गई, बस हो रही है, हो गई। हाँ, तो ये जब गिटहब पे एक गूगल पे जैसे सर्च करोगे सिस्टम डिजाइन प्रीमियर, ये रिपोजिटरी आती है। इस रिपोजिटरी में मतलब उस बंदे ने हर जगह के जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं वो इकट्ठे कर रखे, मतलब यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे हार्वर्ड वगैरह के टॉपिक्स को समझाते हुए। तो मतलब ये बेस्ट रिसोर्स है अगर किसी के पास टाइम है, और टाइम नहीं है और बहुत ही कन्वीनियंट वे में कोई चाहता है और थोड़ा सा कंटेंट, तो फिर educative.io ठीक है। स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूँ। मेक सेंस, ठीक है। ओके, अच्छा ये सब हो गया। अच्छा अब वो तुमको क्या लगता है कॉम्पिटिटिव कितनी इंपॉर्टेंट है? कॉम्पिटिटिव के बिना क्या अमेज़न क्रैक हो ही नहीं सकती? क्या कोई ऐसा बच्चा होगा जो कॉम्पिटिटिव के बिना क्रैक करता होगा? मेरे सर बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो मतलब जिन्होंने कॉम्पिटिटिव कभी करी ही नहीं थी, मतलब टच भी नहीं की थी, और वो है अमेज़न में और उन्होंने क्रैक करी और बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं। तो इज नॉट मैंडेटरी टू क्रैक अमेज़न, मतलब ये क्वेश्चन मेरे को बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि कॉम्पिटिटिव के बिना क्या हो ही नहीं पाएगा, मतलब इवन गूगल में क्या कॉम्पिटिटिव। तो गूगल का या किसी भी बड़ी कंपनी का मैं बता दूं, या तो तुम बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर हो, एकदम कोड फोर्सेस पे पर्पल हो या येलो हो, तो तुम्हें रीच अच्छी मिल जाएगी। कि अगर तुम लिंक्डइन पे किसी को मैसेज करोगे और ये बताओगे मैं कैंडिडेट मास्टर हूँ या जो भी, तो वो तुम्हें रेफरल दे देगा बड़ी आसानी से। पर मतलब एक दूसरा मोड भी होता है कि तुम डीएसएल को अच्छी, जैसे डीएसएल को अच्छी कर लो और प्रोजेक्ट्स अच्छे कर लो। मतलब जब डीएसएल को आपने कर रखी है तो आपके पास सिर्फ प्रोजेक्ट्स भी अच्छे होने चाहिए, या तो फिर आप कॉम्पिटेटिव में एकदम प्रो हो, या फिर आपके पास डीएसएल को अच्छी हो और साथ में अच्छे प्रोजेक्ट्स हो। प्रोजेक्ट्स दो से तीन बहुत है, और प्रोजेक्ट्स का लोग लेवल पूछते हैं कि कितना, मतलब कितना बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए कि मतलब एकदम। तो प्रोजेक्ट का मैं लेवल ये बोलूंगा कि प्रोजेक्ट का लेवल बिल्कुल अगर आपका नॉर्मल भी है कि आपने एक वेबसाइट बनाई है या आपने एक विजुलाइजर बनाया है, सब कुछ एक्सेप्ट होता है। इंटरव्यूअर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने ऐसा प्रोजेक्ट बना दिया कि वो एकदम स्टार्टअप बन सकता है अगले दिन। इंटरव्यूअर को चाहिए होता है कि तुमने जो प्रोजेक्ट लिखा है वो तुमने बनाया है, और वो इतना देर कि वो पकड़ लेता है कि तुमने किसी का प्रोजेक्ट कॉपी किया कि नहीं, क्योंकि कोड वो नहीं देखते बट वो तुम्हारी बातों से समझ जाते हैं। सीधा क्वेश्चन ये पूछते हैं, अच्छा ये बताओ प्रोजेक्ट बनाते टाइम कहाँ फंसे थे, और जब फंसे थे तो फिर क्या किया था? तो जब बनाया नहीं होगा, पढ़ा होगा सिर्फ प्रोजेक्ट, तो फंसे नहीं होंगे, तो सीधे पढ़ लिया होगा। तो अगर मैं मतलब ये जूनियर्स मेरे जितने भी पूछते हैं, तो मैं ये बोलता हूँ कि एक दो प्रोजेक्ट अपने लिए जरूर बनाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर टाइम है तो। मतलब डीएसएल को अगर कर लोगे तो कंपनी निकालना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, पर अगर प्रोजेक्ट भी कर लोगे तो कंपनी में सर्वाइव कर जाओगे। क्योंकि कंपनी में जैसे मैंने 6 महीने काम किया, तो मैंने एक चीज फील करी है कि जो लोग सिर्फ कॉम्पिटेटिव करते हैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट छूते भी नहीं है, तो उनको बहुत स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल होता है। तो फिर अब ये चीज आती है, ये क्वेश्चन भी लोग पूछते हैं कि फिर कॉम्पिटेटिव और डीएसएल को क्यों हायर करते हैं? तो कंपनीज का जो डेटा है हायर का और जो स्टैट्स होंगे, उन्होंने ये चीज देखी है कि डीएसएल को वाले बच्चे जो होते हैं वो जनरली ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर वो स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं पर फ्यूचर में वो अच्छा ही परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छी हो गई होती है। तो फिर कॉम्पिटेटिव अगर आपके पास टाइम है तो कर लो, बहुत अच्छा है। और मतलब कॉम्पिटेटिव के लिए मैं यही बोलूंगा कि डीएसएल को अच्छी कर लो, फिर सीधा कोड फोर्सेस करने लगो। शॉर्ट कॉन्टेस्ट दो घंटे वाला, दो घंटे वाले कॉन्टेस्ट में 3 क्वेश्चन मारने की कोशिश करो। मतलब कभी भी ये मत सोचो ई एफ जो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, इतना हार्ड कभी गूगल भी नहीं पूछेगी आपसे। तो आप ए बी सी डी लेवल के क्वेश्चन, जो कि ए सबसे इजी, सी डी तक बस प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत है। तो वो 2 घंटे का कॉन्टेस्ट का सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि जब आपका कोई भी इंटरव्यू राउंड होता है तो वो ऐसा होता है कि 1 से 1.5 घंटे का होता है और 3 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको आपने आप हमेशा क्वेश्चन कर लेते हो डीएसएल को के, बट आप में स्पीड नहीं है अगर, तो आपका फर्स्ट राउंड में आपको दिक्कत हो सकती है। तो फिर ये है कि अगर आपने कोड फोर्सेस किया है, कोड फोर्सेस के शॉर्ट कॉन्टेस्ट दिए हैं, भले ही हर बार 3 क्वेश्चन नहीं मार पाए, 1 ही मार पाए, तो टाइम मैनेजमेंट बन जाता है कोड फोर्सेस से।
और एक इंटरव्यू की फील आ जाती है कि हाँ 2 घंटे में 3 क्वेश्चन तेजी से अगर करने हैं तो कैसे करने हैं, तो वहां पे कॉम्पिटेटिव हेल्प कर देती है। अब वो कॉम्पिटेटिव, मैं कॉम्पिटेटिव को बेसिकली ये बोलूंगा, वो एक स्पोर्ट्स है, तो वो बेसिकली जिम है। अगर आपको अपना ब्रेन शार्प करना है तो कॉम्पिटेटिव कर लो, बट कंपनीज के लिए डीएसएल को रिक्वायर्ड है, कॉम्पिटेटिव नहीं। अगर आप कर लोगे तो एक वो प्लस है। एक बार बच्चों की क्वेरीज देखें, कोई आ रही है क्या? सर पहले तो बहुत सारी क्वेरीज जो मेन क्वेश्चंस हैं, मतलब ऑलमोस्ट 500-500 लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब लिंक्डइन पे बहुत सारे मैसेज आए थे, मैंने पोस्ट शेयर किया था जब, तो 1.5 लाख लोगों ने देखा, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन डील कर लेते हैं। हाँ है ना, या अभी कोई लाइव क्वेश्चन पूछ रहा है? लाइव पे सर मैं, मेरे में लाइव शो नहीं हो रहा क्योंकि वो वॉइस एको करती है बार बार। अच्छा मैं एक बार देख लेता हूँ, म्यूट कर लेंगे, क्वेश्चन हमें दिख जाएंगे ना कम से कम। हाँ ठीक है, मैं एक बार खोल रहा हूँ और म्यूट करके खोल रहा हूँ। हाँ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं इसको, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार, आउट कर लेंगे, क्वेश्चन हमें दिख जाएगा जी। तो ये है देखिए जरा, एक तो आपके लिए प्यार आ रहा है बहुत सारा, तो लव यू बोल रहे बच्चे आपको। सारे सर मेरे दोस्त होंगे। ये आदित्य सिंह बच्चा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि रेफरल कैसे मैं मांगू, क्या एचआर डिपार्टमेंट से रेफरल मांगू या कैसे मांगू रेफरल, कुछ है दादा इसके बारे में? मैं अमेज़न का बता सकता हूँ। तो अमेज़न का ये कि आप लिंक्डइन पे कोई भी SD1 SD2 को अप्रोच करो, उसको अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड करो और बात करो उससे। मतलब मैंने अभी रिसेंटली जब मैं इंटर्न कर रहा था तो मैंने अपने 5-6 जूनियर्स को रेफरल दिया था, तो अमेज़न वगैरह का रेफरल देना बहुत ईजी होता है, बट कोई भी रेफरल आपको तब देगा जब आप वर्थ हो गए रेफरल के। तो आपको पहले तो अपना रिज्यूमे पास करना है, कोई भी SD1 कोई भी SD2 आपको रेफरल दे सकता है, तो आपको रिज्यूमे पास करना है, बात करनी है उनसे, अपने बारे में बताना है। तो जनरली लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, पर मैं ये बोलूंगा कि क्या कहते हैं, आपका काम है तो आप एक की जगह 10-20 लोगों को मैसेज करो, 10-20 में एक बंदा रिप्लाई जरूर करता है। मेरे को भी बहुत मैसेज आते हैं, तो मैं कुछ को कर पाता हूँ, कुछ को रेफरल दे देता हूँ, कुछ को नहीं कर पाता हूँ, तो फिर सीधा सीन ये है कि 100 टारगेट कर लो, 50-100 लोगों को अगर मैसेज कर सके हो, क्योंकि आपका फॉर्मेट सेम है मैसेज का। एक बार आप मैसेज लिखो कि सर आई एम फ्रॉम दिस कॉलेज एंड मैंने ये कर रखा है, ये मेरा रिज्यूमे है, अगर आपको मेरी प्रोफाइल वर्थ लगती है तो आप मेरे को रेफर कर दो। तो सबसे ईजी वे कॉल पाने का कंपनी का रेफरल होता है, तो अगर आपको किसी ने रेफर कर दिया तो फिर आपका मतलब सीधा हो गया सीन, आपको सीधा मेल आएगा कि इस बंदे ने आपको पोटेंशियल पाया है और रेफर किया है। अगर कंपनी, फिर आपकी प्रोफाइल एचआर के पास जाएगी, वो एक बार देखेंगे, अगर आप वर्थ लगोगे तो फिर वो आपको कॉल कर लेंगे। तो फिर मतलब रेफरल लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, क्या इंटर्नशिप मैंडेटरी है? राहुल गुप्ता बच्चा पूछ रहा है, इंटर्नशिप क्या मैंडेटरी है फैंग कंपनीज के लिए? नहीं, मतलब बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने कभी कोई इंटर्नशिप नहीं करी थी, सीधा 4th ईयर में सीधा एकदम अमेज़न और सीधा गूगल निकाल लिया। और मतलब अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, मतलब एक चीज आ जाती है कि आपने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है काम करने का, तो अगर आपके पास प्रोजेक्ट अच्छे हैं तो फिर मतलब अगर इंटर्नशिप नहीं दिए तो चल जाएगा ना। जैसे जीशॉक वाले हैं, अब जीशॉक वाले इंटर्नशिप वो इंटर्न ही कंसीडर कर हो जाती है, जीशॉक तो बहुत प्रोफिट हो जाता है। और मैं कोई कोई मान लो 5-स्टार बन जाता है, नहीं करता इंटर्न, तो वो भी फाइन ही है। हाँ है ना। ओके अब ये एक बच्चा पूछ रहा है, ये मतलब ऐसा बोल रहा है, सीपी नहीं करेंगे, कॉम्पिटिटिव नहीं करेंगे तो ऑनलाइन राउंड क्लियर ही कैसे होगा? मतलब ये ऐसा अज्यूम कर रहा है कि सीपी के बिना ऑनलाइन राउंड क्लियर ही नहीं हो सकता, तो ऑनलाइन राउंड इतना मुश्किल थोड़ी आता है। ऑनलाइन राउंड DSLGO पे होता है और इतना ज्यादा टफ नहीं होता कि मतलब कोड फोर्सेस लेवल की सीपी नहीं चाहिए होती है। लीड कोड जैसे क्वेश्चन आते हैं, लीड कोड पे जैसे क्वेश्चन पड़े हुए हैं जो सर ने लिस्ट बनाई है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आते हैं अमेज़न में। एक एक जो क्वेश्चन आया था वो सारा क्या कहते हैं, मैंने क्लास में कर रखा था और वो जो लिस्ट है उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं था। ये कह रहा है, CGPA पूछ रहा है एक बच्चा, हाउ मच डज CGPA मैटर? CGPA CGPA का सीन ऐसा होता है कि अगर आप किसी बड़े कॉलेज में हो, कोई कंपनी आई, ऑनलाइन राउंड उसने थ्रो किया, 100 बच्चों ने सारे क्वेश्चन कर दिए,
तो वो 100 का इंटरव्यू नहीं लेंगे, उसके बाद वो सीजीपीए पे शॉर्ट करेंगे, शुरू के 10-20 उठाएंगे फिर इंटरव्यू लेंगे। बट अगर मतलब जैसे नॉर्मल आप कहीं भी जा रहे हो, तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपकी 7 से नीचे होगी तो आपकी प्रोफाइल पहले ही रिजेक्ट हो जाएगी। कुछ कंपनीज को सीजीपीए बहुत चाहिए होती है, पर अमेज़न में तो कम मैटर करती है ना सीजीपीए। अमेज़न में अगर आपकी 6 है 5.5 है सब चलेगा, अमेज़न में नहीं दिक्कत होती, अमेज़न में ज्यादा मैटर नहीं करती ना। अमेज़न के लिए मेनली डीएसएल को इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट भी, वो अगर आप डीएसएल को नहीं बता पा रहे हो तो थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट पूछते हैं, बाकी अगर डीएसएल को के सारे क्वेश्चन बता रहे हो अच्छे से तो फिर वो उस डोमेन में जाते हैं। मेरे लिए है अरुण वर्मा पूछ रहे हैं, इज योर 150 डे स्ट्रेटजी सफिशिएंट फॉर आरसीजीएम कोऑर्डिनेशन स्प्रिंकलर? बेटा आरसीजीएम के लिए मेरे ख्याल से चल जाएगी, कोऑर्डिनेशन के लिए मैं नहीं कहता हूं कि मेरी स्ट्रेटजी चलेगी, कोऑर्डिनेशन इज मोर ऑफ अ कॉम्पिटिटिव थिंग। इस बार पहली बार बच्चा हमारा स्प्रिंकलर में प्लेस हुआ है, तो देख मैं आज तक मैं कोऑर्डिनेशन की पता एडवाइस क्यों नहीं दे रहा, मैं पहले ही बताता हूं, आज तक मेरा एक भी बच्चा कोऑर्डिनेशन में प्लेस नहीं हुआ, तो मैं नहीं समझता कि मेरे को कोऑर्डिनेशन की एडवाइस देनी चाहिए, मुझे नहीं आता कोऑर्डिनेशन में प्लेस कराना। स्प्रिंकलर में हो गया है तो स्प्रिंकलर में नॉर्मल ही चल रहा है, स्प्रिंकलर में 150 डेज से बात बन रही है। आरसीजीएम में मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा ऑलराउंडर बच्चा चाहिए होता है, डीएसएल को भी चाहिए, सीजीपीए भी अच्छी चाहिए, और उसने एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह भी किया हो, वो सही सही संबंध होना चाहिए, काफी काफी कुछ उसका चारों तरफ से कवर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब तुम्हारे लिए कोई क्वेश्चन? कुछ कंपनीज के ऑनलाइन राउंड जो होते हैं वो ज्यादा कॉम्पिटेटिव पे फोकस करते हैं, तो उनमें से ही कोऑर्डिनेशन एक है, कोऑर्डिनेशन वो है, वो 1-2% कंपनी है, बाकी सारे डीएसएल को के राउंड ही होते हैं सबके। और है हमारे पास ओके स्टार्टअप्स के लिए एक बच्चा पूछ रहा है, स्टार्टअप के लिए कुछ अलग करना होगा क्या? स्टार्टअप के लिए अगर प्रोजेक्ट अच्छे किए हैं तो स्टार्टअप को मतलब वही चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है कि स्टार्टअप्स में थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स का ज्यादा रहेगा, ज्यादा वेटेज होता है, सीधा ज्यादा डे वन से आपको काम कराना स्टार्ट करना है। बड़ी कंपनी में आपको क्वेश्चन आया है, व्हाट विल बी द प्रिपरेशन पाथ फॉर डेटा साइंस एंड डेटा एनालिस्ट? मेरे पास फॉर्मूला नॉलेज नहीं है डेटा साइंस के लिए। डेटा साइंस का ये है कि अगर आप बीटेक हो तो फिर बहुत कम ओपनिंग्स होती है, और बीटेक प्रेफर भी नहीं करते डेटा साइंटिस्ट पोस्ट के लिए, तो मास्टर्स थोड़ा ज्यादा जरूरी होता है, भले आपने बहुत अच्छी भी कर रखी है डेटा साइंटिस्ट डेटा साइंस, तो मतलब डेटा साइंस जितनी भी आपको प्रमोटेड मिली है मतलब मार्केट में, वो ज्यादातर ट्रेनिंग कंपनीज ने प्रमोट किया है उसको, तो हर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चा डेटा साइंस में लग जाता है, पर वो तुम्हारे अपने इंटरेस्ट के लिए काम आ जाएगी, बट तुम्हें उससे जॉब डेटा साइंटिस्ट की बीटेक के बाद मैं बोलूंगा 1-2% लोगों को मिलती है और किसी को नहीं। मेरे एक फ्रेंड को ग्रोफर्स से ऑफर हुई थी डेटा साइंटिस्ट, उसके अलावा किसी को नहीं होती। एक आधा बच्चा पूछ रहा है कि ईसी के बच्चों के लिए सेम स्ट्रेटजी रहेगी, तो आई थिंक मेरे ख्याल से सेम ही रहेगी। हां मतलब लास्ट ईयर एक बंदा था अभी पेपोडिंग में बीपीआईटी का ईसी का, उसने सीसी निकाला स्ट्रेटजी से Amazon निकाला था। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन पूछा बच्चे ने, Amazon वाले कॉलेज का नाम देखकर ही रिजेक्ट तो नहीं करते ना? नो नो नो, मैं हूं और मतलब हमारे यहाँ से तो, और जितने आईपी कॉलेजेस वगैरह हैं उनसे भी, मतलब इस बार मैं अमेज़न का बताऊंगा, मैं इंटरनल बात एक बता रहा हूँ कि मतलब मैंने जितना अपने टीम्स में बात किया, तो इस बार उन लोगों ने आईआईटी से बच्चे कम हायर किए थे, उनका एक बैंडवर्थ थी कि 35-37 से ज्यादा बच्चे आईआईटी के नहीं उठाने, क्योंकि वो लोग मतलब इधर उधर ज्यादा भाग जाते हैं मतलब किसी और कंपनीज में, तो उनका ये था कि जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं और नॉर्मल कॉलेजेस के हैं तो उनको ज्यादा वो प्रेफरेंस देते हैं आजकल। वाइज वाइज वेरी वाइज स्ट्रेटजी। अच्छा ये शेखर तिवारी पूछ रहे हैं कि फोर्थ ईयर के पास आउट हैं अनप्लेस्ड, तो उनके लिए कोई स्ट्रेटजी है क्या? इनके लिए मेरे पास स्ट्रेटजी है, मेरा जनवरी के अंदर, जनवरी में हम एक लॉन्च करेंगे प्लेसमेंट प्रोग्राम, तो उसमें हम 15 लाख का कमिट करेंगे, 15 लाख से ऊपर प्लेस कराएंगे, टेस्ट लेके सिर्फ 25 बच्चे उठाएंगे, 6 महीना पढ़ाएंगे, और मेरा ऐसा कहना है कि पोस्ट पेड है ऑफ कोर्स, कि तुम्हें पहले कुछ देना नहीं, 6 महीना 25 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए, उन्हें 6 महीना पढ़ाऊंगा, और 6 महीने बाद अगर तुम 15 लाख से ऊपर प्लेस हो गए तो फिर तुमसे तुम्हारी 2 सैलरी रखूंगा, पहली 2 सैलरी, नहीं प्लेस हुए अगर तुम 14 लाख भी प्लेस हुए तो मैं तुम्हें कुछ चार्ज नहीं करूंगा, एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल 0 पेमेंट है, कुछ नहीं लेंगे पहले, सारे का सारा बाद में ही लेंगे, ठीक है? तो ये रहेगा, ये मे भी तुम अवेल करके देख सकते हो, तो ये दिसंबर में टेस्ट करेंगे इसके। अच्छा ये अमन गौर बच्चा पूछ रहा है
कि क्या हम पाइथन में ही करके क्रैक कर सकते हैं? कर सकते हैं, पाइथन से थोड़ी वैरायटी, कंपनीज की वैरायटी कम हो जाएगी, कुछ कंपनीज पाइथन में अलाउ नहीं करती हैं। हाँ, मुझे वही डीएसएल को का इशू लग रहा है। हाँ, ना? हाँ। और कुछ कॉम्प्लेक्स कोड करने में थोड़ी दिक्कत भी होगी, सी प्लस प्लस वगैरह में लोग हेल्प कर सकते हैं, मतलब कम्युनिटी वास्ट है डीएसएल को की, कोड मिल जाते हैं लोगों के समझने के लिए, पर पाइथन में कम मिलते हैं। प्रिंस दोबारा सवाल पूछ रहे हैं कि प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है या डीएसए की गुड नॉलेज इनफ रहेगी? मतलब इट इज इंपॉर्टेंट बट डीएसए इज फर्स्ट प्रायोरिटी। हां, डीएसए इज फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद प्रोजेक्ट। अच्छा, अब ये पूछ रहा शॉर्ट रे, बेसिक प्रोजेक्ट ई कॉमर्स टाइप के चलेंगे रिज्यूमे में? सब प्रोजेक्ट सब चलेंगे, बस तुमने बनाए हो और तुम्हें एंड टू एंड पता हो कि वो प्रोजेक्ट कर क्या रहा है। गगन यादव पूछ रहे हैं कि लीड कोड से कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट करें? तो मेरे ख्याल से ऐसा करो, टॉपिक चूज करो, डीपी चूज किया और डीपी का लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दो, मीडियम हार्ड। मेरे हिसाब से 8 टॉपिक्स हैं, डीपी, ग्राफ, ट्रीज, स्टैक क्यू, लिंक्ड लिस्ट, हैश मैप हीप और ये ग्रिड बिट मैनिपुलेशन। ये टैग से फिल्टर मारो, डिफिकल्टी पे सॉर्ट करो और क्वेश्चन करने स्टार्ट करो। और रैंडमली भी सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब जैसे तेरे को क्वेश्चन की दिख रहे है ना, तो हर थर्ड क्वेश्चन कर ले, सॉर्ट मार ले इजी से डिफिकल्ट की तरफ, एक क्वेश्चन कर ले दो छोड़ दे, एक क्वेश्चन कर ले दो छोड़ दे, तो रैंडमली भी कर सकते हो, आई थिंक चलेगा उससे, क्योंकि 1400 क्वेश्चंस कोई नहीं बना सकता, 700-800 शायद ही कोई करता हो डेली में, 700-800 भी सर बहुत हो जाते हैं, 700-800 बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये होंगे, मैंने 1400-1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, बट मैं तब भी बोलूंगा कि 400-500 में काम हो जाता है, 400-500 काम हो जाता है। शिवांगी कह रही है कि मतलब अप्लाई नहीं करना आ रहा, कैसे अप्लाई करें क्योंकि मोस्टली ऑनलाइन एप्लीकेशंस तो रिस्पोंड ही नहीं करती, तो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है कि कैसे रिस्पोंड करेंगे हम? मतलब अभी के लिए मैं बोलूंगा कि अभी हायरिंग वायरिंग थोड़ी कम हो रही है, तो कंपनीज की जो ड्राइव पड़ी भी हुई है अगर किसी साइट पे, तो वो हटाना भूल गए हैं, बाकी बहुत सारी कंपनीज हायरिंग फ्रीज पे है, तो अभी मैं ये बोलूंगा थोड़ा प्रिपरेशन पे ज्यादा ध्यान दे दो और अप्लाई करते रहो, और तो ज्यादा मुझे भी उम्मीद है कि अगले साल जितनी इस साल कम है हायरिंग उतनी अगले साल ज्यादा होगी, तो ये बेस्ट टाइम है तैयारी करने का, शॉर्टेज हो जाएगी ना बहुत सारी। हाँ, अगले साल बहुत वो होगा। अच्छा, ये मेरे लिए एक क्वेश्चन आया, लेवल अप कब तक अपलोड कर दूंगा? बेटा कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ, हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो ये लेवल अप और आईपी दोनों कंबाइंड, मैंने खुद को डेडलाइन दे रखी अक्टूबर 30 तक 600 सवाल डाल दूंगा, ये जो लिस्ट दी थी अभी ग्रीन लिस्ट, ये सारी की सारी सॉल्व करके लेवल अप और आईपी के नाम से इनका कंबाइंड कोर्स बना रहा हूँ, उसको नाम रखा हूँ लेवल टू इज इक्वल टू लेवल अप प्लस आईपी, उसमें हम दोनों के सारे क्वेश्चन मैं अक्टूबर 30 तक सारे डाल दूंगा। मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग एक बार मतलब सर्किट वीडियोस देख के देखो, एन क्वींस और रैटेना मेज टाइप क्वेश्चन, तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि रिकर्जन वगैरह कितना डेप्थ में और कितना मतलब नेक्स्ट लेवल पढ़ाया जाता है। ये डल चुके हैं, रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, ये मैं दोबारा से एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं अगर क्योंकि ये अवेलेबल है। ये सर टॉपिक अगर इनिशियली बहुत अच्छे से कर लेता है रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग, तो फिर उसके लिए बाकी टॉपिक्स सब इजी हो जाते हैं फिर धीरे धीरे। जैसे कि ये देखें, अगर ये लेवल वन के अंदर ये है पहले वाले रिकर्शन, ये रिकर्शन में 30 क्वेश्चंस यहाँ पर है, तो ये टुवर्ड्स द एंड बैक ट्रैकिंग पे खत्म हुई है, नाइट्स टू एंड क्वींस ये सब फ्लड फिल चल रहे हैं इसके अंदर, और फिर अब मैं बैक ट्रैकिंग के मुश्किल लेक्चर यहाँ डाल रहा हूँ ये लेवल टू के अंदर। लेवल टू स्टार्ट ही बैक ट्रैकिंग से हुआ है, वो रिकर्शन बैक ट्रैकिंग पे खत्म हुआ था, ये उसी से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें मैंने अभी 13 क्वेश्चंस डाले हैं, 50 डालने वाला हूं। यहां पर एक एक क्वेश्चन Amazon Microsoft लेवल का है, बहुत अमेजिंग लगेगा, तुम सॉल्व करोगे, सुडोकू सॉल्व करके देखो, क्रॉसवर्ड सॉल्व करके देखो, दिमाग ही फट जाएगा, के पार्टीशन करके देखो, फ्रेंड्स पेयरिंग करके देखो, ईच सिंगल क्वेश्चन इज अमेजिंगली ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। हां, ये मतलब मैंने भी बहुत ज्यादा ये चीज नोटिस करी कि जैसे सर मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो आप करा देते हो क्लास में, मतलब लोगों को लगता है ये कहीं दिखे नहीं गीक्स पे, ये हो सकता है इंपॉर्टेंट नहीं हो, बट उनसे जैसे एन क्वींस की कुछ वेरिएशन आपने कराई थी, तो उनसे इतनी अच्छी इनसाइट बिल्ड हो जाती है कि कोई नया क्वेश्चन भी अगर बैक ट्रैकिंग या रिकर्जन का आता है ना, तो कनेक्ट कर पाते हैं। और मुझे लगता है बैक ट्रैकिंग तो एकदम
सबसे इंपॉर्टेंट बैक ट्रैकिंग डीएस का वजीर है बैक ट्रैकिंग ग्राफ जिसने वो कर लिया उसके लिए ट्री सब ग्राफ ग्राफ सब आसान है डीपी ट्रीज और ग्राफ तीनों में असिस्टेंस मिलेगी अगर तुम्हारी बैक ट्रैकिंग स्ट्रांग है तो तीनों में असिस्टेंस मिलेगी ठीक है अब ये गगन यादव पूछ रहे हैं प्रायोरिटी कैसे दूं मैं टॉपिक्स की डीएस एल्गो में क्या प्रायोरिटी दूं किस मतलब ऑर्डर पूछ रहा है किस ऑर्डर में पढूं मेरे ख्याल से डीपी ऊपर रखे हाँ मतलब जो कंपनी टारगेट कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा देख लेना कि जैसे अमेज़न डीपी ज्यादा पूछती है माइक्रोसॉफ्ट लिंकलिस्ट ज्यादा पूछती है तो टॉपिक सारे प्रिपेयर करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता पता चला आप इंटरव्यू में गए और गूगल का इंटरव्यू आपसे सिर्फ और सिर्फ उसने सारे क्वेश्चन डीपी के ही पूछ लिए क्योंकि डायरेक्ट टाई वगैरह में कई बार ऐसा होता है कि सारे क्वेश्चन ही डीपी के पूछ लेते हैं तो ऐसा नहीं करना टॉपिक स्किप कर दीजिए पहले आप कंटिन्यू कीजिए तो टॉपिक मतलब डीपी जैसे टॉपिक तो मतलब इसमें तो प्रो हो जाना है एकदम ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं पूछा तो ठीक है बट लेकिन अगर पूछ लिया तो फिर डीपी वाला अगर बंदा होगा अगर सामने जो इंटरव्यू ले रहा है तो फिर वो डीपी में एकदम अच्छे आईसीपीसी लेवल तक के क्वेश्चन तक पूछ लेता है तो डीपी अच्छा नहीं यार एक क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया बच्चे ने तो उसका जवाब मुझे देना होगा वो मुझसे पूछ रहा है क्या कोर्स बाय करना जरूरी है यश पूछ रहा है इज इट नेसेसरी टू बाय अ कोर्स फॉर फ्री वीडियोस नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं तो हमने ये स्ट्रेटजिकल शिफ्ट लिया है पेप कोडिंग का सारा कंटेंट बिल्कुल सारा कंटेंट एवरी सिंगल वर्ड जो हम यहाँ पढ़ाएंगे इस सेंटर में वही एग्जैक्टली सेम तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिलेगा और वही कंटेंट हम अपने जूम के वेबिनार्स में भी पढ़ाते हैं तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है हम कोई नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं बने हम अभी भी फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा इसलिए कर रहे हैं बेसिकली फॉर मार्केटिंग पर्पस मुझे लगता है कंटेंट से बड़ी कोई मार्केटिंग नहीं हमें लगता था हम पढ़ाने में अच्छे हैं तो हम अपना कंटेंट दुनिया को फ्री में दे देंगे अब तुमको लगता है कि हमसे पढ़ने में मजा आएगा मुझसे डायरेक्टली लाइव क्वेश्चन पूछने में मजा आएगा तो फिर इनफ बच्चे फिर भी वेबिनार्स और सेंटर वाली कोचिंग में पढ़ने के लिए आते रहेंगे तो हम अपने फायदे के लिए अपना कंटेंट बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा है रिकॉर्डेड वर्सेस लाइव के डिफरेंस क्या होता है यार इसमें देखो वर्ड टू वर्ड सेम चीज यहाँ पढ़ाई जाती है वर्ड टू वर्ड वही चीज मैं यहाँ वीडियो में डाल रहा हूँ फर्क क्या है देखो रिकॉर्डेड के अंदर मैंने एक नजरिए से उसका डिस्कशन करके डाल दिया अब तुमको नहीं समझ में आई बात अब तुम्हें पूछना भैया इसका ना वो वाला ट्री बना दो अब तुम वीडियो के सामने ये बात नहीं बोल पाओगे ना इसका वो वाला ट्री बना दो क्लास में लाइव टीचर बना रहा होता जैसे परम्यूटेशन का सवाल करना तुमको बैक ट्रैकिंग से उसके दो ट्री पॉसिबल होते हैं अब हर क्वेश्चन के मैं दो ट्री नहीं बनाता यहाँ पर मैं एक तरीके से बना दूंगा और तुम कहना चाहोगे भैया वो दूसरा ट्री भी बन जाता तो मजा आ जाता मेरा दिमाग बढ़ जाता मुझे समझ में आ जाता वो बात मतलब ना 50% लर्निंग कंटेंट से होती है 50% लर्निंग इंट्रैक्शन से होती है और जो तुम्हारे अलावा दूसरे बच्चे सवाल पूछते हैं उस इंट्रैक्शन से जो तुम सवाल पूछते हो उस इंट्रैक्शन से वो मिस आउट होती है तुमसे रिकॉर्डेड में वेबिनार इसलिए मुझे सुपीरियर प्रोडक्ट लगता है स्लाइटली वेबिनार ये रिकॉर्डेड के मुकाबले बाकी रिकॉर्डेड मुझे लगता है कि वो तो फ्री हम दे ही सकते हैं ठीक है और कोई क्वेश्चन मैंने भी बहुत ज्यादा फील करी है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन पढ़ा और उसका टॉप डाउन ट्री तो समझ लिया पर ऐसा लग रहा है कि इसका जो बॉटम अप ट्री है वो नहीं बन पाएगा तो जैसे एक बात बोल दिया सर इसका ये बता दीजिए बॉटम अप भी तो आधा घंटा जो तुम्हारा इंटरव्यू रैप जब तुमने पढ़ा था इतना ही मैंने पढ़ाया था इतना ही तेरे को तुम्हारी बाकी क्लास ने पढ़ाया था याद है ये बात यस सर बहुत ही हेल्दी बैच था मतलब 40+ बच्चे थे और कार्तिक वगैरह जितने भी बच्चे थे सब कहते बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेस हुए मतलब एक भी बंदा अनप्लेस नहीं है उस बैच का वो पहला निष्ठा निशिता वो इतने बढ़िया बढ़िया पॉइंट सब तो गूगल चले गूगल चली गई इतने बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स एक्सप्रेस कराती थी कि सबकी फायदा होता था ठीक है ठीक है आई थिंक अब वही बातें चल रही हैं तो एक सर थोड़ा वैसा क्वेश्चन था रिज्यूमे मतलब से रिलेटेड तो लोगों का ये पूछा है जैसे वेब है एमएल है और दो चार जितने भी मेन मेन टॉपिक हैं तो सब में हाथ मार के सबके प्रोजेक्ट होना चाहिए रिज्यूमे में या फिर अगर एक टॉपिक के भी हैं तो चलेगा मेरे हिसाब से एक टॉपिक से भी चलता है मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने तो फिर भी वेब के बारे में बोला मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर तुम डीएस के भी प्रोजेक्ट बना के जा रहे हो ना तो इनफ है मतलब वेब के तुमने चार प्रोजेक्ट बना लिए ना तो वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा चार प्रोजेक्ट या वेब का एक प्रोजेक्ट एक ही बात है इफेक्टिवली प्रूव हो रहा तो मैं वेब आता है ठीक है तो फिर मैं तो बोलूंगा थोड़ी सी वैरायटी कर लो पर सब चीजों की भी होनी कोई नेसेसरी नहीं है एक वेब का बना लिया एक डीएस का बना लिया एक कोर के ऊपर कुछ देख लिया
तो इतना इनफ है, मैक्सिमम 3 प्रोजेक्ट्स, आई थिंक 3 प्रोजेक्ट्स इज इनफ अपने 3 बेस्ट प्रोजेक्ट। मैं थोड़ा बता देता हूं, मैंने काफी लोगों से बात करी है, मतलब Amazon में जब मैं था 6 महीने तो जितने भी मेरी टीम में सारे SD2 थे, सारे ही इंटरव्यूज लेते थे, तो मैं उनसे ये सब बातें करता रहता था। मैं उनसे पूछता था, सर एक चीज में ये बताइए कि इतना ज्यादा क्या कहते हैं कॉम्पिटेटिव या DSL को या प्रॉब्लम सॉल्विंग पे क्यों फोकस किया जाता है Amazon में? मतलब मैंने देखा कि अगर कोई कंपनी स्टार्टअप है ग्रोफर्स टाइप का, तो वो लोग देखते हैं कि रिएक्ट में अच्छा है बंदा या इसमें, तो उसके बेसिस पे ले लेते हैं, पर यहाँ पे ऐसा क्यों? तो उनका कहना था कि जैसे Amazon है, ये जो ये लीड करती है अपनी टेक को, जो भी टेक पे है वो, जैसे अगर आप बात करोगे Uber की, तो Uber टैक्सी वाला प्लेटफॉर्म को लीड करती है, ओला फिर पीछे चल रही है, Amazon e-commerce को लीड करती है, फिर Flipkart पीछे से। तो क्या होता है कि जो नई स्टार्टअप है, नई कंपनीज है, उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो टेक लीडर सॉल्व कर चुके होते हैं, उनके लिए जो प्रॉब्लम है वो गूगल ने, Amazon ने, माइक्रोसॉफ्ट ने सॉल्व कर रखे हैं, तो वो उनको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। बट Amazon माइक्रोसॉफ्ट गूगल को जो प्रॉब्लम आती है वो कभी किसी ने सॉल्व, तो उन्हें ऐसे बंदे चाहिए होते हैं जो कि नई प्रॉब्लम को देख के घबराए नहीं। तो नई प्रॉब्लम को देख के घबराने वाले जो बंदे नहीं होते वो कॉम्पिटेटिव वाले होते, क्योंकि वो नए प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होते हैं। तो ये एक होता है जो प्रॉब्लम, ये पर्सपेक्टिव मेरे लिए भी है, दिस इज एडिंग टू मी, मुझे ये वाला पर्सपेक्टिव नहीं था, अभी ये समझ में आ रहा क्यों वो कॉम्पिटेटिव पे बंदा हायर करना चाहेंगे। तो दिस मेक सेंस टोटली। हां अच्छा, फ्री कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं एक बार दोबारा रुक कर ठहर के फ्री कोर्स के बारे में बता देता हूँ, उससे एक मौका मिले। मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा जरा। देखो मैं क्या हमने एग्जैक्टली किया है, क्यों किया है और किस लेवल तक का फ्री किया है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यार ये जो 50-50 दिन थे ना, इनके ऊपर हमने कोर्स बना रखे हैं। पहले 50 दिन पर एक फाउंडेशन नाम का कोर्स बना रखा है और दूसरे 50 दिन पर एक लेवल अप नाम का कोर्स बना रखा है और तीसरे 50 दिन पर अब एक इंटरव्यू प्रेप नाम का कोर्स बना रखा है। ये 3 कोर्स हमने बना रखे हैं। हम इसके अलावा वेब डेव पढ़ाते हैं। तो जो कह रहा हूं मैं वो ये कह रहा हूं, सबका, ये भी 50 क्लासेस होती थी, सबका पूरा कंटेंट फ्री कर रहे हैं। कुछ कर चुके हैं, कुछ रोज वीडियो बना के डाल रहे हैं। तो हम दिसंबर एंड तक, दिसंबर 31 तक एवरीथिंग वुड बी फ्रीली अवेलेबल। जो भी पेप कोडिंग प्रोड्यूस किया होगा आज तक, सारे का सारा फ्री डाल चुके होंगे। ये ऑलरेडी हो चुका है। इस टाइम पर ये दोनों चल रहे हैं, पैरेलल में चल रहे हैं, इन दोनों को डाल रहा हूं। इनकी डेट है अक्टूबर 30 और इसकी डेट है दिसंबर 31। दिसंबर 31 तक इसको भी डाल देंगे। तो हम जो भी पढ़ाते हैं सारे का सारा फ्री आ चुका होगा यूट्यूब के ऊपर। फ्री होने के बाद मतलब फ्री का मतलब ये कि हमने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया। पेड ऑफरिंग हमारी तब भी रहेंगी। पेड ऑफरिंग क्या रहेगी? अगर तुम हमसे जूम के वेबिनार में पढ़ना चाहते हो, उन बैचेस को हम लाइव बैच कहते हैं, जूम वेबिनार लाइव बैच, टीचर सामने बैठा होता है, टीचर पढ़ाता है, तुम सवाल पूछ सकते हो, वो पेड रहेंगे। या हम ऑफ कोर्स कभी सेंटर में पढ़ाएंगे, अभी तो कोरोना की वजह से सेंटर बंद है, सेंटर में पढ़ाएंगे तो वो पेड रहेगा। कंटेंट सारे का सारा दे दिया, वीडियो देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ये फ्री है। अब तुम हमसे डाउट पूछना चाहते हो, टीचर का टाइम लेना चाहते हो, वो पेड है, क्योंकि देखो टीचर का टाइम लगेगा तो वो पेड बनेगा। ठीक है, कहां ये फ्री कंटेंट डालूंगा मैं वो दोबारा दिखा देता हूं। ये होम पेज है तुम्हारा, फ्री रिसोर्सेज पे क्लिक करो। होम पेज पे पहली स्क्रीन ये दिखती है, ये पेड कोर्सेज हैं, ये फ्री रिसोर्सेज हैं। यहां क्लिक करो तो तुम यहां पहुंच जाओगे, ये यहां पहुंच जाओगे फ्री रिसोर्सेज में। तो ये वाला ऑलरेडी कंप्लीट है, ये डाल चुका हूं मैं, ये और ये दोनों आजकल डाल रहा हूं। ये दोनों डल जाएंगे तुम्हारे दिसंबर 31 तक, ये अक्टूबर 30 तक, और इसके बाद मैं यहां पर डालूंगा वेब, वो दिसंबर 31 तक आ जाएगा। तो हमारा सारा कंटेंट दिसंबर 31 तक यहाँ पर आपको फ्रीली अवेलेबल मिला करेगा। तो इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है, इसके अंदर ये चीजें अवेलेबल है, देखिएगा जरा। यहाँ जा सकते हो, क्वेश्चन खोलकर क्वेश्चन सबमिट कर सकते हो। यहाँ जाओगे तुम्हें क्वेश्चन वीडियो मिल जाएगी, क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन पढ़ो, एडिटर में जाके सॉल्व करो, सबमिट दबाओ, नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन टैब पे जाके सॉल्यूशन देख लो और सॉल्यूशन वीडियो देख लो। जो पेड बच्चा है वो एक्स्ट्रा क्या कर पाएगा, उसको ये डाउट सपोर्ट मिलती है यहाँ से, एडिटर, वो यहां से डाउट सपोर्ट भी खोल सकेगा। वो यहां नहीं होती, वो माई क्लासरूम में होती है, आपको आप अपने डाउट्स ले पाते हो इधर से, ये रहा डाउट्स, तो ये खुल जाता है और तुम यहां से डाउट लॉन्च कर सकते हो, डाउट सपोर्ट लॉन्च हो जाएगी। तो जो तुम्हारे डाउट ले रहा हो तुम्हें यहां पर ड्रॉ करके पढ़ा सकता है और
यहाँ से कुछ ड्रॉ करके पढ़ा सकता है लेट से, ऐसा कुछ कभी यूज नहीं किया मैंने ज्यादा, और यहाँ पर तुमको कोड करके सबमिट करके चीजें दिखा सकता है। जनरली हम जूम मीटिंग से ही कर रहे हैं वैसे, पर उनके लिए डाउट वाली चीज और रहेगी एक्स्ट्रा। ठीक है, कमिंग बैक, तो आई थिंक तो इसमें एक चीज मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, मतलब मैंने ऑनलाइन कोर्सेज भी किए हैं, ऑफलाइन भी किए हैं सेंटर पे जाके, तो जब मैं फ्री होता था समर्स में हाँ। तो मैं जनरली चला जाता था सेंटर पे और क्या कहते हैं ऑफलाइन करता था, तो उसका मेरे को ये बेनिफिट लगता था कि क्या होता है कि जैसे ऑनलाइन कोर्स होता है तो आपके पास ये होता है कि आप शेड्यूल नहीं बना पाते हो कि आज एक वीडियो देखा कल, सेंटर पे जब जाते हैं ऑफलाइन होता है तो फिक्स होता है कि आज इतना कंटेंट पढ़ाया जाएगा, पढ़ना पड़ेगा, और जो आज के 6 क्वेश्चन मिले हैं होमवर्क में क्योंकि बाकी क्लास भी कर रही है उस पर डिस्कशन भी होता है तो फिर वो करना है, तो इसलिए मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा सेंटर वाली चीज अच्छी लगती थी तो मैं सेंटर पे जाके ही करता था हमेशा। नेवरतेलेस देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी में बहुत सेल्फ डिसिप्लिन है, जैसे देखिए हमने क्लास में डिसिप्लिन बच्चे भी देखे हैं, बहुत बच्चे बहुत डिसिप्लिन होते हैं, तो जो बच्चे डिसिप्लिन है उनको सेंटर आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे कंटेंट वर्ड टू वर्ड वही दे रहा हूँ जो कंटेंट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इनफैक्ट अगर बच्चा यहाँ आएगा पहले ही बताऊंगा कि मैं एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, वही पढ़ाऊंगा जो यूट्यूब पे पढ़ा है। ठीक है, तो जब पढ़ा वही रहे तो जिसमें डिसिप्लिन है वो घर से पढ़ ले, और जिसको लगता है कि फ्लो बनाने में हेल्प मिलेगी या तुम्हें और बच्चों की स्मार्टनेस चाहिए, ये तुम्हें टीचर से क्वेरी लेनी है, तो तुम सेंटर पे आ जाओ या लाइव बैच ले लो। कुछ लोग होते हैं जो जैसे इन्फोसिस या टीसीएस में जॉब कर रहे होते हैं और उनको ये होता है कि हमें मतलब कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चाहिए, और तो उनको मैं ये बोलता हूँ कि आपको टाइम जब भी अपने दिन में मिले तो आप क्या कहते हैं ऑनलाइन कर लो, और तो ज्यादा आपके लिए बेटर है जी। अच्छा, बच्चे ये पूछ रहे हैं कि ये C++ के लिए चलता है कि नहीं चलता। बेटा एडिटर C++ सपोर्ट करता है, हालांकि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ अभी वो जावा में बना रहा हूँ, ठीक है, और C++ में पक्का बनाऊंगा, लेकिन इस साल नहीं, मेरी जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो जावा है, तो इस साल जावा में बना रहा हूँ, C++ में अगले साल बना दूंगा। ठीक है, ये वीडियोस कहाँ मिलेंगी? फ्री DSA कोर्स ये यहीं पर मिलेंगी, पेप कोडिंग के होम पेज, फ्री रिसोर्स पे क्लिक करें आपको मिल जाएंगे। pepcoding.com ओपन कर लो। हां ठीक है, आई थिंक हमने ले लिए हैं क्वेरीज। हां तो कर सकते हैं इसे मीटिंग को क्लोज हम, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो मतलब। मोस्टली सब कुछ कवर कर ही लिया है, मतलब सारे एफएक्स नोट डाउन भी कर लिए, वही ओल्ड क्वेश्चंस दोबारा आ रहे हैं, तो इसे आई थिंक क्लोज कर लेते हैं, मेरे साइड में वही क्वेश्चंस ही देख रहा हूं। एक बार आप देख लो आपको कोई नया क्वेश्चन दिखे, नहीं तो 2-3 मिनट में फिर हम क्लोज। अब बच्चे पूछ रहे हैं, बस सेम ही पूछ रहे हैं कि C++ है कि नहीं। हां बेटा C++ सपोर्ट करता है, पर मैंने जावा में बनाई है, C++ में ही बना दूंगा, पर तुम C++ में कोड करके सबमिट करा सकते हो क्वेश्चन। मतलब मैं C++ में ही करता था जब मैं सर के पास पढ़ता था, तो मुझे जावा आती थी, बट मैं मतलब थोड़ा सा मैंने हाथ थोड़ा अपना बैठा लिया था C++ में, उसी में कॉम्पिटेटिव करता था, तो मेरा ये रहता था कि सर हाँ मैं C++ में कर दूँ, तो सर ने सारी लैंग्वेजेस खोल दी थी, किसी में भी कर लो। जावा का पर मुझे एक बेनिफिट हुआ था अमेजन में, क्योंकि अमेजन में ज़्यादातर काम जावा में होता था, तो फिर मतलब अभी ये लॉकडाउन हो गया इतना ज़्यादा टाइम रहता नहीं था, तो जावा पहले से आती थी तो कम से कम एक एक्स्ट्रा चीज नहीं सीखनी पड़ी, वो बैलेंस हो गया क्योंकि सारा कुछ जावा। एक काम करेंगे हम लोग, एक काम करेंगे, लिंक सारे शेयर करवा दोगे बच्चे? हाँ हाँ, तो मतलब लास्ट में मैं ये बोलूंगा कि ये जो YouTube चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे रिसोर्सेज CNOS और हर चीज के लिंक आ जाएगी। इसके अलावा ये वाला जो चैनल है ये IEEE वालों का है, उनका ये है कि वो इसके बाद इसमें सारे के सारे गूगल में जॉब करने वाले, डायरेक्ट टाइम में जॉब करने वाले, उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस डालेंगे कि क्या क्या प्रिपेयर किया था, तो अगर आपको और देखना है कि क्या वैरायटी है तो मतलब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी रिसोर्सेज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जी, आज रात तक सब पड़ जाएगा। और pepcoding.com की फ्री रिसोर्सेज पे वो तो सीधा गूगल करके मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी अवेलेबल है अभी? यस सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर जी, बाय बाय।